Hi, Vichabari, can you people see and hear me clearly? Just give me a quick thumbs up in the comment section. No, in the live chat section so that I can begin with the lecture. Hi, मेरा नाम है शुभम पाठक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर चैप्टर. आज ये स्टार्ट भी करेंगे, आज ये खत्म भी करेंगे. क्लास 10 ज्योग्राफी का जो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है एग्रीकल्चर, आज हम इसका पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड. इसके साथ साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जहां आपको मेजर क्रॉप्स को याद कैसे करना है वो भी समझ आ जाएगा. आज ही हम एग्रीकल्चर चैप्टर्स के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो मैप क्वेश्चंस है वो भी कर लेंगे और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी आज के सेशन में सॉल्व कर लेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन. इसी तरीके से सारे क्लास 10th एसएसटी और बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के चैप्टर्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे. इस साल से मैं इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल यू कैन डू इफ यू फील लाइक एंड लेट्स बिगिन विद एग्रीकल्चर. थैंक यू गगनदीप जूही. आर्मी शुड बी स्टार्ट. तनिष्का यस मैम. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. सेशन बहुत लंबा होने वाला है, थोड़ी सी एनर्जी सेव करते हैं और स्टार्ट करते हैं, है ना. चलिए, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर हमारे देश की प्राइमरी एक्टिविटी है. प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक. जैसे आपने सुना होगा प्राइमरी क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब कि छठी और छठी से नीचे वाली क्लासेस को प्राइमरी क्लासेस बोला जाता है. क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि बच्चों की एग्जिस्टेंस के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए प्राइमरी क्लासेस का तो योगदान होना ही होना चाहिए. वो दे आर द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट. उसी तरीके से एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी सेक्टर में आती है और एग्रीकल्चर के ही ऊपर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर डिफाइंड होते हैं. क्योंकि अगर एग्रीकल्चर आपको फार्मिंग करके नहीं देगा, खाना ग्रो करके नहीं देगा, तो प्राइमरी तो छोड़ो, सेकेंडरी और टर्शरी के लोग खाना क्या खाएंगे. ठीक है, सो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. इट प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. नाउ एग्रीकल्चर और फार्मिंग के बीच में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है. मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होती थी 3-4 साल पहले तक कि एग्रीकल्चर क्या होता है और फार्मिंग क्या होता है. एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है ये, बट थोड़ा सा 2 मिनट में हम समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग. बच्चा, एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर एग्रीकल्चर में फार्मिंग भी आ जाता है, यानी कि क्रॉप्स ग्रो करना भी आता है, एनिमल्स को रियर करना भी आता है, एनिमल्स को फूड के लिए इस्तेमाल करना भी आता है, और फार्मिंग एग्रीकल्चर का एक पार्ट होता है. तो एग्रीकल्चर में फार्म से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो एनिमल रियरिंग है, चाहे वो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स है, चाहे वो यू नो मटीरियल प्रोवाइड करना है, सब कुछ उसमें आता है. बट फार्मिंग इज बेसिकली कल्टीवेटिंग, खेतों को जोतना, खेतों को सो करना, हार्वेस्ट करना फिर क्रॉप को, वो फार्मिंग होता है. एग्रीकल्चर इज अ ब्रॉडर टर्म, फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ इफ वी टॉक ऑफ आर ओन नेशन, अगर हम अपने देश की बात करें तो एग्रीकल्चर हमारे देश के लिए पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 2/3 यानी कि 75 तो मैं नहीं बोलूंगी, 60 से 65% जनता जो है हमारे देश की वो क्या करती है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. खाना उगाने के साथ साथ एग्रीकल्चर हमारे देश में रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज के लिए. आप ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर के जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आधे से ज्यादा तो हम भी कंज्यूम कर लेते हैं अपने घरों में. हम आटा पिसवा के रोटी बनवा लेते हैं, चावल उबाल के राइस बना लेते हैं, राइट, ऑल ऑफ दैट वी डू. लेकिन यही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में जाते हैं रॉ मटेरियल की तरह, और फिर इन पे काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं और फिर बनते हैं हमारे फिनिश प्रोडक्ट. छोटा सा एग्जांपल, गन्ने आते हैं आपके खेत से, एग्रीकल्चर से, और ये गन्ना जाता है रॉ मटेरियल की तरह शुगर इंडस्ट्री में, जहां से बनती है चीनी या फिर गुड़. सो दे एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो, इंडस्ट्रीज ऑल्सो. नाउ एग्रीकल्चर कोई नई चीज तो है नहीं, जब से ह्यूमन काइंड एग्जिस्ट करती है तब से वो लोग जो है एग्रीकल्चर के प्रति प्रो रहे हैं. मतलब ऑब्वियसली अर्ली मैन एग्रीकल्चर नहीं करते थे, बट सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुई है तब से दुनिया में फार्मिंग देखने को मिलती है, कल्टीवेशन देखने को मिलता है. ऑब्वियसली पहले जो है फार्मिंग थोड़े पुराने तरीके से होती थी, प्रिमिटिव तरीके से होती थी, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी मशीन्स, केमिकल, पेस्टिसाइड एग्जिस्ट नहीं करते थे दुनिया में. तो पुराना एग्रीकल्चर जो है वो मोस्टली नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड करता था, सिंपल तरीके से किया जाता था. आज का जैसे आप मॉडर्न एग्रीकल्चर बोलते हो, उसमें मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जैसे कि केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, बड़ी बड़ी मशीन्स, ट्रैक्टर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अगर हम फार्मिंग को डिफाइन करें इस चैप्टर के लिए, तो हम 2 पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं. एक ऐसी फार्मिंग जो अपने सर्वाइवल के लिए की जाती है, दूसरी ऐसी फार्मिंग जो मार्केट के लिए की जाती है. सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए जब आप खाना उगाते हो अपनी या अपनी फैमिली की नीड्स के लिए, तो उस तरीके की फार्मिंग को बोला जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग. सबसिस्टेंस का मतलब है सर्वाइवल हेतु, ठीक है.
कमर्शियल फार्मिंग होती है जब आप मार्केट के लिए प्रोडक्शन करते हो, जब आप इतनी सारी क्रॉप्स ग्रो करते हो कि आपकी क्रॉप्स आप मार्केट में बेच पाओ, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की तरह प्रोवाइड करवा पाओ, और बदले में आपको क्या मिले, बदले में आपको मिले खूब सारे पैसे। तो मेनली सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है अपने सर्वाइवल के लिए की जाती है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। कमर्शियल फार्मिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल देना और खुद प्रॉफिट कमाना। तो हमारे सिलेबस पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी दो तरीके की है, एक जो पुराने तरीकों से की जाती है भाई, अपने मेजरली, देखो सब्सिस्टेंस का मतलब है मेजरली आप अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर वही खेती आप पुराने तरीके से कर रहे हो तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस हो गया, अगर वही खेती आप नए तरीके से कर रहे हो मॉडर्न मेथड के साथ कर रहे हो तो इंटेंसिव हो गया, और कमर्शियल हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। चलो पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ लेते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ लेते हैं। बच्चा प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, यानी कि एंशियंट। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है फॉर सर्वाइवल, यानी कि जीने के लिए, और फार्मिंग का मतलब होता है खेती, राइट? तो एंशियंट तरीके यूज करके जो सर्वाइवल हेतु खेती की जाती है उसे बोलते हो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। पता है कैसे होती है, बड़े बड़े लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा क्लियर किया जाता है, उस छोटे से टुकड़े को क्लियर करने के लिए, मतलब उस पे जो भी पेड़ पौधे को, नेचुरली भी तो जमीन अगर फर्टाइल है तो उस पे पेड़ पौधे उगे हुए रहेंगे, उन पेड़ पौधों को खरपतवार बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है वीड। ऐसे पेड़ पौधे जिसकी आप फार्मिंग करना नहीं चाहते हो, जो आप फार्म पे उगाना नहीं चाहते हो, उन्हें हम वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। तो पहले क्या किया जाता है, एक बड़े से जमीन के टुकड़े पे एक छोटा सा टुकड़ा, बड़ा सा पीस ऑफ लैंड पे एक छोटा सा स्मॉल पैच को क्लियर करते हो। अब क्लियर करने के लिए आप पुराने टूल्स का इस्तेमाल करते हो, मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, जैसे कि हो गया, डाव हो गया, है ना, डिगिंग स्टिक्स हो गई, ये सब पुराने टूल्स हैं जो हाथ से बने होते थे मेजोरिटी, ठीक है। इनसे आपने क्लियर किया छोटा सा पैच बड़े से पीस ऑफ लैंड पे, अब इस पे आपने फार्मिंग करना शुरू किया, और ये फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ कंजम्पशन, आप खाओ खाना और आपका परिवार का खाना, राइट। इसका दूसरा नाम है बच्चा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसका तीसरा नाम है झमिंग, इसका चौथा नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अगर आपने ये चार नाम याद कर लिए ना तो आपको इसके सारे फीचर्स भी याद हो जाएंगे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप शिफ्ट कर रहे हो, बार बार जगह बदल रहे हो, एग्जैक्टली। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम पहले एक जमीन के टुकड़े पे खेती करते हैं, फिर अगले साल दूसरे जमीन के टुकड़े पे खेती करते हैं, फिर अगले साल तीसरे जमीन के टुकड़े पे खेती करते हैं, बड़े से पीस ऑफ लैंड पे छोटे छोटे पैचेस को क्लियर कर करके उनपे खेती करते रहते हैं, इसलिए नाम पड़ता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, पता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़े से जमीन के टुकड़े पे छोटे से पैच को क्लियर करने के लिए आप पहले तो कटाई करते हो उसकी प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करके, फिर जो बाकी जो जड़े बड़े होती हैं, बाकी जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें जला देते हो। तो स्लैश का मतलब कटाई, बर्न का मतलब जलाना, इसीलिए इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में जो ऐश होती है, क्योंकि अगर आप जला रहे हो, जो खरपतवार पड़ी थी अगर आप उसे खेतों में जला रहे हो तो फिर नीचे ऐश बचेगी, राख बचेगी, उसी राखों में जो मेन क्रॉप आपको चाहिए होती है उसके बीज आप उसमें डाल देते हो। तो इन ऐशेस द सीड्स दैट यू वांट टू सो आर ग्रोन, राइट। ऐसी जो खेती होती है क्योंकि पुराने तरीकों से की जाती है, मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मॉनसून पे डिपेंडेंट होती है, नेचुरल रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती है, इरिगेशन पे डिपेंडेंट नहीं होती है, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट होती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड होती है, केमिकल, फर्टिलाइजर, HYV, वैरायटी ऑफ सीड्स, इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर मान लो एक बड़े से जमीन के टुकड़े पे, जो जिस पैच पे आप खेती कर रहे थे, उस पैच पे आप कई बार खेती कर चुके हो और आपको एज अ फार्मर लग रहा है कि उस पैच की जो है फर्टिलिटी कम होती जा रही है, तो उस पैच को आप बदल दो, आप दूसरे पैच को क्लियर कर लो, वहां पे खेती कर लो, उस पैच को भी थोड़ा छोड़ दो, थोड़े सालों में क्या होगा, मिट्टी अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर लेगी, अपने न्यूट्रिशन को रीगेन कर लेगी, फिर से आप उस पैच पे आ सकते हो, राइट। शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। तो जब आप एक पैच छोड़ के दूसरे पैच पे जाते हो तो ये शिफ्ट करने की वजह से आप उस पुराने वाले पैच की फर्टिलिटी को रीगेन करने का टाइम देते हो। दिस इज योर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में झमिंग बोला जाता है। देखो जब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पूरी दुनिया में की जाती है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में इसे झमिंग बोलते हैं, क्योंकि मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल नहीं होता है तो खेतों से जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का वो थोड़ा कम ही होता है, फर्टिलाइजर वगैरह आप इस्तेमाल नहीं करते हो ऑब्वियसली। अब क्योंकि ये लोकल लेवल पे भी कंसिडर किया जाता है, पूरी दुनिया में हो रहा है तो पूरी दुनिया में तो झमिंग नहीं बोलेंगे ना, अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसे दहिया या बेवार बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पेंडा या पोड़ू बोलते हैं,
कोमण, पमाडाबी, ब्रिंगा बोलते हैं उड़ीसा में, अगेन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से। वेस्टर्न घाट्स में यानी कि कोंकण वाले रीजन में कुमारी बोलते हैं इस तरीके की खेती को। वलरे या वाल्ट्रे बोलते हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। खिल बोलते हैं हिमालयन बेल्ट में, स्पेशली सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिमालयाज में। एंड कुरवा बोलते हैं झारखंड साइड। बाकी वर्ल्ड की बात करें तो मेक्सिको में मिल्पा बोला जाता है, वेनिजुएला में कोनुको बोला जाता है, ब्राजील में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को रोका बोला जाता है, सेंट्रल अफ्रीका में मसोल बोला जाता है, इंडोनेशिया में लदांग बोला जाता है, वियतनाम में रे बोला जाता है। अब आपका सवाल होगा, मैम क्या ये सारे नाम याद करने हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले नाम याद करने हैं, इंडिया वाले आप 3-4 बार पढ़ लेंगे इससे काम चल जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि मैच कर दो इनके नाम को। लेकिन वो जो चार नाम बताए, झमिंग, शिफ्टिंग, स्लैश एंड बर्न एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, वो चारों नाम याद करने। ठीक है, तो अब चलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरफ। अगेन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही एक टाइप, सॉरी सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही एक टाइप है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने और अपने परिवार का सर्वाइवल, लेकिन साथ में लगा हुआ है एक वर्ड जिसका मतलब है इंटेंस। इंटेंस का मतलब मॉडर्न तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी जगहों पे होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जहां पे पॉपुलेशन जो है हाई होती है। देखो बच्चा, प्रॉब्लम ये है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से, जो हमारे संविधान में ये जो लॉ बना हुआ है ना राइट ऑफ इनहेरिटेंस, उसकी वजह से जो पेरेंटल संपत्ति होती है, जो आपके माँ बाप की लैंड होती है या संपत्ति होती है, वो बच्चों में बराबर डिवाइड होती है। जितने बच्चों के उतना क्या होगा, उसका हिस्सा होगा। तो अब इंडिया को आजाद हुए इतने साल हो गए हैं कि हमारा जो लैंड है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वो इतनी बार जनरेशन टू जनरेशन बट चुका है कि अभी प्रेजेंटली पर पर्सन या पर फार्मर, ऑन एन एवरेज बेसिस पे अगर पर फार्मर हम बात करें, तो बहुत छोटा जमीन का टुकड़ा हमारे हिस्से में आता है। तो इस छोटे जमीन के टुकड़े से आपको क्रॉप ज्यादा निकालनी है। अब छोटे जमीन के टुकड़े से क्रॉप ज्यादा निकालने के लिए आप क्या करोगे? मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल करोगे। इसलिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग उन एरियाज में देखी जाती है जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगी। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा जनरेशन होंगी, जितनी ज्यादा जनरेशन होंगी, पीढ़ियां होंगी, उतना जमीन का टुकड़ा जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन डिवाइड होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसीलिए आपको HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सारी चीजें लगा के इंश्योर करना पड़ेगा कि वो छोटे से जमीन के टुकड़े से अच्छा खासा क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। काफी लेबर इंटेंसिव होती है, इतनी सारी खेतों में मेहनत करनी है तो लेबर तो लगेगी ही। बायोकेमिकल इनपुट्स का मतलब है फर्टिलाइजर केमिकल, तो काफी सारे हाई डोसेस लगते हैं भारी मात्रा में, लैंड पे काफी प्रेशर बढ़ जाता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग अगर आप बार 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 करते रहेंगे तो आपका लैंड जो है हो सकता है इनफर्टाइल हो जाए आफ्टर अ वाइल, बिकॉज ये जो केमिकल होते हैं ये काफी खराब भी करते हैं मिट्टी को। उस साल तो अच्छी खेती दे देते हैं, बट ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे एक्चुअली हार्म योर सॉइल, राइट? तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए छोटे से लैंड पे अगर आपको खेती करनी है तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करनी पड़ेगी। नाउ प्रिमिटिव और इंटेंसिव के बीच का यहाँ मैं डिफरेंस दे रही हूँ बच्चा। मेन डिफरेंस यही है कि प्रिमिटिव जो है पुराने तरीके से की जाती है, इंटेंसिव जो है नए तरीके से की जाती है। कैन यू मेक वीडियो ऑफ क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज? एब्सोल्युटली बच्चा दीक्षा, आई विल डू दैट। ठीक है, तो ये आप चार्ट देख लीजिएगा, अभी हम पीछे यही पढ़ के आए हैं, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं लेक्चर्स आपको इस चैनल पे पढ़ाती हूँ, जो भी ये पीपीटीज बनाती हूँ, इसकी फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई होती है। इनफैक्ट मेरे चैनल पे जो भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे सबकी फ्री पीडीएफ दी हुई है, तो स्क्रीनशॉट मत लो, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आगे चलते हैं, कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं। लाइक आई सेड, कमर्शियल फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा से ज्यादा खेती की जाए और इस ज्यादा से ज्यादा खेती को रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्रीज में बेचा जाए ताकि फार्मर्स को बहुत ज्यादा क्या मिले, प्रॉफिट मिले। तो द फार्मिंग विच इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पे होती है, क्योंकि जितना बड़ा लैंड होगा उतनी ज्यादा खेती होगी, उतना ज्यादा क्रॉप्स होंगी, जितनी ज्यादा क्रॉप्स होंगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अच्छे तरीके से होती है, मॉडर्न इनपुट के साथ होती है, अच्छी वैरायटी ऑफ सीड्स, ऐसी सीड्स जो ज्यादा प्रोडक्शन करके देंगे यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी, केमिकल, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब कुछ लगाया जाता है, हर वो कोशिश की जाती है कि आपका प्रॉफिट जो है ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस स्लाइड पे जो पीछे आपको फोटो दिख रही है, बड़ा सा खेत दिख रहा है जिसमें बड़े सारे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं पानी के लिए, ये एक तरीके की कमर्शियल खेती है। आप देखते हो कि चाय की जो खेती होती है वो छोटे से लैंड पे नहीं होती है, पूरे पूरे पहाड़ भरे रहते हैं चाय की खेती से। तो जहां लैंड बहुत बड़ा होगा ना, वहां पे आप समझ लो कि कमर्शियल खेती हो रही है। अब कमर्शियल क्रॉप का क्या मतलब है? कमर्शियल क्रॉप का मतलब है ऐसी क्रॉप जो आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए ग्रो कर रहे हो, यानी कि मार्केट के लिए ग्रो कर रहे हो। कमर्शियल मतलब मार्केट, ठीक है?
तो अगर आप चावल छोटे लैंड पे ग्रो कर रहे हो तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का पार्ट हो जाएगा, अगर आप चावल बड़े लैंड पे ग्रो कर रहे हो तो वो कमर्शियल क्रॉप का पार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चावल हरियाणा पंजाब में कमर्शियल क्रॉप की तरह ग्रो होता है, लेकिन उड़ीसा में सबसिस्टेंस क्रॉप की तरह होता है। अगर आप चाय पत्ती छोटे लैंड पे ग्रो कर रहे हो तो प्रिमिटिव, सॉरी सबसिस्टेंस फार्मिंग, बड़े पे कर रहे हो तो कमर्शियल। तो बड़े, बड़ा लैंड और बड़े इनपुट से ही कमर्शियल क्रॉपिंग की डेफिनेशन आती है। अब देखो, खेत तो बड़ा है आपका, अब खेत पे आप अगर चार अलग अलग क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो भी तो वो कमर्शियल क्रॉपिंग ही है। आपका खेत इतना बड़ा है कि नंबर वन क्रॉप के लिए भी बहुत बड़ा लैंड मिल रहा है आपको, नंबर टू के लिए भी मिल रहा है, नंबर थ्री के लिए भी मिल रहा है, नंबर फोर के लिए भी मिल रहा है। दिस इज अ सिंपल टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। लेकिन अगर आप पूरे बड़े से खेत पे सिर्फ एक सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहे हो, जैसे कि चाय की खेती, रबड़ की खेती, कॉटन की खेती, बनाना की खेती, कॉफी की खेती जब होती है तो मोस्टली पूरे पूरे बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड पे सिर्फ एक ही सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, उस तरीके की स्पेशल टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग को आप बोलते हो प्लांटेशन क्रॉपिंग। ठीक है, तो अ टाइप ऑफ कमर्शियल क्रॉप, सॉरी, अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन द होल पीस ऑफ लैंड इज नोन एज प्लांटेशन। प्लांटेशन हैज इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसका मतलब ये है कि प्लांटेशन क्रॉपिंग की ही इसलिए जाती है ताकि जो सारा आपका क्रॉप प्रोडक्शन है वो रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो किसी ना किसी इंडस्ट्रीज में। इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा भी चाहिए होता है, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर भी चाहिए होते हैं, क्योंकि जितना बड़ा खेत होगा उतने ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको सस्ता और स्किल्ड लेबर भी चाहिए। इसके साथ आपको अच्छी बैंकिंग फैसिलिटीज, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि आपका इतना सारा खेतों का क्रॉप आखिर मार्केट तक जाएगा कैसे, इंडस्ट्रीज तक जाएगा कैसे। तो इस तरीके की कमर्शियल क्रॉपिंग छोटे फार्मर्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगता है, कैपिटल भी ज्यादा, मॉडर्न इनपुट भी ज्यादा, लैंड भी बड़ा, लेबर भी ज्यादा, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी ज्यादा, और शायद कभी लोन वोन भी लेना पड़ सकता है। तो हमारे भारत में जो मेन कमर्शियल क्रॉपिंग या मेन प्लांटेशन क्रॉप्स हैं वो होती हैं चाय पत्ती, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, कॉटन, राइस, एक्सेट्रा। चलिए, तो हमें समझ आ गया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल क्रॉपिंग। राइट, नाउ लेट्स गो टू द क्रॉपिंग पैटर्न। बच्चा, क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि साल में किन महीनों में कौन सी क्रॉप को ग्रो कर रहे हो। तो यूजुअली इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो पूरे साल को, एक एग्रीकल्चरल ईयर को, बच्चा एग्रीकल्चरल ईयर पता है कैसा होता है, एग्रीकल्चरल ईयर आपके एकेडमिक ईयर की तरह दिखता है। ये ऑनसेट ऑफ मॉनसून से शुरू होता है, और खत्म होता है जाके अप्रैल मई में। तो यानी कि आप सोचो कि मई जून से स्टार्ट होके मई पे आके खत्म हो रहा है, ये है आपका एक एग्रीकल्चरल ईयर। तो यूजुअली एक एग्रीकल्चरल ईयर में इंडिया में तीन तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं, रबी, खरीफ एंड जैद। रबी आप एक तरीके से बोल सकते हो सर्दियों वाला क्रॉपिंग पैटर्न, खरीफ आप एक तरीके से बोल सकते हो बारिशों वाला क्रॉपिंग पैटर्न, और जैद आप बोल सकते हो कुछ महीनों के लिए जो क्रॉपिंग पैटर्न आता है रबी और खरीफ के बीच में, उसे जैद बोला जाता है। राइट, लेट्स स्टार्ट विद द रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो वाली क्रॉप्स होती है बच्चा जो आपको गर्मियों, सॉरी सर्दियों में अवेलेबल होती है। सर्दियों में आप क्या क्या खाते हो, सर्दियों में आपने सबने भाई, नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं स्पेशली, सर्दियों में हमें क्या खाने को मिलता है, सरसों का साग खाने को मिलता है, मक्के की रोटी खाने को मिलती है, सर्दियों में हमें क्या मिलता है, वीट खाने को मिलता है, गेहूं बहुत मिलता है, सर्दियों में हमें मटर की सब्जी बहुत मिलती है। बोलते हैं ना यार सर्दियों का मटर बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में मटर जो है इतना अच्छा नहीं आता है। मम्मियों से पूछिए आप अपने, या आपके घर में पापा खाना बनाते हो तो उनसे पूछिए कि भाई मटर तो अच्छे सर्दियों में ही आते हैं, है ना। दालें जो हैं ज्यादातर जो हैं रबी क्रॉप्स में काउंट होती हैं, तो अक्सर उनकी खेती सर्दियों में की जाती है। सरसों आप देखोगे कि खेत, पूरे के पूरे सरसों के खेत येलो हो रखे होते हैं सरसों के फूलों से इन योर विंटर्स। तो रबी क्रॉप्स आर द विंटर क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स। अच्छा, किसी भी क्रॉप का नाम है उस अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ जिन महीनों में इनके बीज बोए जाते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि रबी क्रॉप विंटर क्रॉप है तो मतलब क्या है इसका, कि सर्दियों के महीनों में इनके बीज जमीन में बोए जाते हैं। तो रबी क्रॉप्स के बीज बोए जाते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, डिपेंड करता है किस क्रॉप को कितने महीने चाहिए ग्रो करने में, कई बार अक्टूबर में, कई बार नवंबर में, कई बार दिसंबर में। और इनकी फसल पक्के कब तैयार होती है, अगले 6 महीने में इनकी फसल पक्के तैयार हो जाती है। तो आप समझ लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने अक्टूबर में ग्रो किया है कि नवंबर में ग्रो किया है, 6 महीने लगा लो, 6 महीने में फसल जो है यूजली रबी क्रॉप्स की पक्के तैयार हो जाती है।
क्योंकि विंटर में हमारे यहाँ बारिश कम आती है भाई, मानसून में बारिश ज्यादा आती है ना, विंटर में आती है थोड़ी बहुत लेकिन कम बारिश आती है, इसीलिए रबी क्रॉप्स को जो है, यहाँ से याद कर लो, इसीलिए रबी क्रॉप्स को जो है बारिश जो है थोड़ी कम चाहिए होती है। अब रबी क्रॉप्स ग्रो कहाँ की जाती है, जहां पे आपका जाड़ा पड़ता है यानी कि सर्दी पड़ती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना। नॉर्थ इंडिया में ठंडी पड़ती है, नॉर्थ इंडिया में रबी क्रॉप को आप इमेजिन कर लो। सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जब हमारे कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1950s और 1960s में, तो रबी क्रॉप को काफी फायदा हुआ था, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट्स में वीट और राइस की ग्रोथ पे फोकस किया गया था। राइस तो खरीफ क्रॉप में आता है, लेकिन रबी क्रॉप वीट सबसे ज्यादा मात्रा में फायदेमंद हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन से। नेक्स्ट इज योर खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को मैं क्या बोल रही थी, मॉनसून क्रॉप बोल रही थी। तो इसके बीज जमीन में कब बोए जाएंगे, बारिशों की स्टार्टिंग में बोए जाएंगे। बारिश कब आनी शुरू होती है, देखो अभी बारिशों का महीना चल रहा है, ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इन मई, राइट। तो मई जुलाई में, मई जून जुलाई में बारिश आनी शुरू हो जाती है, तो तब इसके बीज जो है बो दिए जाते हैं, सोइंग का मतलब बीज बोना, और फसल पक के तैयार हो जाती है अगेन अगले 6 महीनों में, सितंबर अक्टूबर तक आते आते फसल पक के तैयार हो जाती है। अब इनको याद कैसे करना है, कौन सी है खरीफ क्रॉप, हम सब खाना खाते हैं, इंडियन खाना खाते हैं, बाकी सारे कुजीन भी खाते होगे, इंडियन खाना खाते हो, कभी भी किचन में जिस भी क्रॉप के लिए अक्सर सीटी लगते हुए देखी है, या जिस भी क्रॉप का आटा गूंदते टाइम आपने बहुत ज्यादा पानी लगते हुए देखा है, उसको आप खरीफ क्रॉप में डाल सकते हो। याद रखना रबी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वीट, तो वीट को कभी खरीफ में मत लिखना। बाकी आप लॉजिक देख लो, राइस सीटी लगती है, राइस में पानी लगता है, राइस डाल दिया आपने खरीफ में, मूंग दाल बनती है, तूर दाल बनती है, अरहर की दाल, पानी डलता है, आपने डाल दिया खरीफ में, उड़द की दाल बनती है, पानी डलता है भाई, आपने डाल दिया खरीफ में, मक्के की रोटी, ज्वार, बाजरा, इनको आटा गूंदते हो तो पानी लगता है, बट मैं इसीलिए बोल रही हूँ वीट में भी पानी लगता है आटा गूंदने में, लेकिन वीट आप प्लीज उसमें डालना, ज्वार बाजरा मेज जो है थोड़ी ड्राई आटे में आती हैं, तो ये आती हैं खरीफ के सीजन में। कॉटन तो चलो, कॉटन तो उबाल के नहीं खाते हम लोग, लेकिन कॉटन भी खरीफ का पार्ट है, जूट भी खरीफ का पार्ट है, सोयाबीन और मूंगफली भी खरीफ का पार्ट है। अब खरीफ क्रॉप्स क्योंकि मानसून में ग्रो की जाती हैं बच्चा, तो मानसून तो पूरे इंडिया में आता है, तो ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव खरीफ क्रॉप्स, चाहे वो असम हो, वेस्ट बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, यूपी हो, बिहार हो, सब जगह खरीफ क्रॉप्स देखने को मिलती हैं। इन असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। और चावल हमारे देश में इतना ज्यादा खाया जाता है कि चावल की भी अलग अलग वैरायटी आती है। फॉर इंस्टेंस, माई मॉम इज ऑब्सेस्ड विद बासमती। कई लोगों को रेड राइस पसंद है, कई लोगों को ब्लैक राइस पसंद है, कई लोगों को ब्राउन राइस पसंद है, कई लोगों को बासमती पसंद है, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाली साइड जहाँ पे चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है, जैसे कि आसाम, नागालैंड, मेघालय, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ईस्टर्न कोस्ट वाली साइड भी, यहाँ पे चावल की अलग अलग वैरायटी फेमस होती है। यहाँ पे औस, अमन, बोरो, कुछ बच्चों के नाम लग रहे हैं ना, स्टूडेंट्स के नाम लग रहे हैं, स्टूडेंट्स के नाम नहीं है, चावल की वैरायटी है, औस, अमन एंड बोरो, ये 3 क्रॉप, ये पैडी की वैरायटी है, पैडी का मतलब चावल। इस पे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी क्रॉप की वैरायटी है, तो याद रखना कि चावल की बात हो रही है। चलिए जैद क्रॉप का अब देखते हैं। जैद क्रॉप बच्चा बहुत थोड़ा सा टाइम लेती है जैद क्रॉप ग्रो होने में, 2-3 महीने में ग्रो के बढ़िया तैयार हो जाती है। वन थम रूल दैट यू हैव टू रिमेम्बर इज कि फ्रूट्स और वेजिटेबल मोस्टली किस में आते हैं, जैद क्रॉप्स में आते हैं। तो आपका कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, पटेटो हो गया, है ना, फॉडर क्रॉप्स यानी कि गाय बैल बकरियों का जो चारा वाली क्रॉप्स होती हैं वो हो गई, वो सारी जैद क्रॉप का पार्ट है। रबी और खरीफ के बीच में जो 1-2 महीने का टाइम बचता है ना, जैसे मान लो मैंने मई में आपकी खरीफ क्रॉप ग्रो कर ली, मेरी सितंबर आते आते खरीफ क्रॉप पक के तैयार भी हो गई, अब मुझे जो रबी क्रॉप ग्रो करनी है वो मुझे दिसंबर में ग्रो करनी है, तो सितंबर से दिसंबर का टाइम मेरे पास खाली बच गया ना एज अ फार्मर, तो उन चंद महीनों में मैं क्या करूंगी, जैद क्रॉप ग्रो कर लूंगी, तो कुछ महीनों में पक के तैयार हो जाती है। मार्च से जून के बीच में जो है लोग अक्सर जैद क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं। शुगर केन ऑन द अदर हैंड एक ऐसी क्रॉप है जो पूरा साल लेती है, याद रखना है ये 11 महीने का टाइम लेती है, 10 से 11 महीने का टाइम, तो ऐसी भी क्रॉप्स होती है जो एक साल में आप खेत में सिर्फ एक ही बार ग्रो कर सकते हो, बिकॉज वो टाइम ही नहीं बचता उनको, हार्वेस्ट होने में इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो 3 क्रॉपिंग पैटर्न पढ़े हमने, खरीफ, रबी एंड जैद। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज मेजर क्रॉप्स। जब पहली बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये सारी चीजें हम याद कैसे करेंगे, लेकिन अगर कॉमन सेंस से याद करने की कोशिश करोगे, अपने किचन से रिलेट करके याद करने की कोशिश करोगे रट्टा मारे बिना, तो आपको जरूर याद हो जाएगी एक ही बार में। चलो स्टार्ट करते हैं।
मेजर क्रॉप्स मतलब जो मेजॉरिटी में इस्तेमाल की जाती है और मेजॉरिटी में उगाई जाती है। तो पहला है आपका चावल। चावल है काफी भरपूर पानी वाला क्रॉप यानी कि खरीफ क्रॉप। अब आप खुद सोचो जो मॉनसून में जो क्रॉप्स उगाई जा रही है उनको अक्सर ज्यादा पानी चाहिए होगा ना, तभी तो मॉनसून से पहले उनके बीज डाले जा रहे हैं जमीन में ताकि बारिश आए, खूब बारिश आए और आपकी फसल अच्छी हो। तो खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है। राइस अगर खरीफ क्रॉप है तो इसे भी क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। स्टेपल फूड क्रॉप है। स्टेपल फूड क्रॉप का मतलब, स्टेपल का मतलब मोस्ट कॉमन। आप देखते ही हो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, चावल हर कोई खाता है, तो स्टेपल फूड क्रॉप है। इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना में भी चावल बहुत खाया जाता है और वहाँ पॉपुलेशन हमसे भी ज्यादा है, तो चाइना इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसके बाद भारत आता है। जहाँ कम रेनफॉल होती है वहाँ पे भी लोगों को चावल पसंद है, तो उगाते तो हैं लोग चावल वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे आपको कनाल और इरिगेशन सिस्टम बना के खेतों में पानी देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है तो चावल उग नहीं पाएगा अगर आप इरिगेशन नहीं दोगे, सिंचाई नहीं करोगे खेतों की। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान वाले में अगर इंदिरा गांधी कनाल नहीं बना होता तो चावल की खेती शायद इतना अच्छे से नहीं हो पाती, राइट। यूजली राइस वहाँ ग्रो किया जाता है जहाँ पे आपको नदियाँ ऑलरेडी मिल रही हों, जो कोस्टल इलाके होते हैं वहाँ पे राइस अच्छे से ग्रो होता है। नॉर्थ इंडिया में इतनी सारी नदियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड पे इतनी सारी नदियाँ हैं, हमारे कोस्टल इलाके जो हैं वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की तरफ वहाँ पे अच्छी नदियाँ हैं, तो यहाँ सारे मेजर एरियाज पे राइस जो है अच्छे से ग्रो होता है। मेड पॉसिबल ड्यू टू राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड राजस्थान। इंदिरा गांधी कनाल जो बनी थी, जो पंजाब से राजस्थान तक की कनाल बनी हुई है, उसकी वजह से जो ड्राई पार्ट्स हैं नॉर्थ इंडिया के, थोड़े से ड्राई पार्ट्स आपके राजस्थान के, थोड़े से ड्राई पार्ट्स आपके हरियाणा के, थोड़े से ड्राई पार्ट्स आपके उत्तर प्रदेश के, उन ड्राई पार्ट्स में भी अब उस कनाल की वजह से, उस इरिगेशन और ट्यूबवेल सिस्टम की वजह से चावल की खेती हो जाती है। पहले जो है होने में दिक्कत होती थी क्योंकि सारे फार्मर्स जो हैं कुआं बनवा के अपने खेतों की सिंचाई अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फाइनली गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए इरिगेशन सिस्टम के को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके बाद से चावल की खेती नॉर्थ इंडिया में अच्छे से होती है। बच्चा मानसून क्रॉप है तो आप जानते हो कि मानसून में ह्यूमिडिटी भी अच्छी होती है, मानसून में उमस होती है ना, हवा में उमस होती है और हवा में गर्मी भी होती है, तो राइस को भी वही टेम्परेचर और वही क्लाइमेट चाहिए, उमस चाहिए और टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री से ऊपर। तो गर्मियों के जो महीने होते हैं, जो बारिशों के महीने होते हैं, वो उसे सूट करते हैं। रेनफॉल चाहिए इसे 100 सेंटीमीटर से ऊपर, तभी ये क्या है, खरीफ क्रॉप है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये एरियाज हैं बच्चा, मेजर एरियाज हैं जहां पे राइस ग्रो होते हैं। जो रेड पेन से मार्क कर रही हूं ना मैं, वो मेजर एरियाज हैं। मैं आपको स्टेट्स बता देती हूँ, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, असम, ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए। इसके अलावा थोड़े से माइनर स्टेट्स भी हैं, वो हैं आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। पंजाब भी मेजर स्टेट्स में आता है, सॉरी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट, कुछ पार्ट गुजरात का, कुछ पार्ट आपका मध्य प्रदेश का, कुछ पार्ट आपका कर्नाटका का। चावल है भाई पूरे ऑलमोस्ट इंडिया में उगता है, लेकिन ये सारे मेजर पार्ट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में बाकी मेघालय, त्रिपुरा साइड भी थोड़ा बहुत उगता है। चलिए वीट पे आते हैं। वीट हमारा सबसे मेजर क्या है, रबी क्रॉप है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप कौन से होते हैं, जो दाने दाने वाले होते हैं, तो सेकेंड मोस्ट इंपीरियर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। ये भी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी किसी ना किसी तरीके से आटे को इस्तेमाल किया जाता है, गेहूं को इस्तेमाल किया जाता है ना। मेन फूड क्रॉप है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया का मेन फूड क्रॉप है, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान, गुजरात साइड लोग चावल ज्यादा नहीं खाते हैं, लोग वीट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उस साइड पे और ज्यादा ये ग्रो किया जाता है। गंगा, सतलुज प्लेन और ब्लैक सॉइल वाली जो मिट्टी है, दोनों इसको सूट करती है, यानी कि एलुवियल सॉइल और ब्लैक मिट्टी दोनों सूट करती है। तो आप देख लो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी कहाँ होती है, गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और कर्नाटका, इन सारी स्टेट्स में वीट अच्छे से ग्रो होता है। कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है क्योंकि ये रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप है तो मतलब सर्दियों की क्रॉप है, तो इसको जब ये पक रहा होता है फसल, तो इसे थोड़ा ठंडा सीजन चाहिए होता है, सर्दियों का मौसम चाहिए होता है। लेकिन जब इसे इसकी कटाई होनी होती है, जब इसकी हार्वेस्टिंग होनी होती है, तब इसे ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, और रबी क्रॉप के लिए एग्जैक्टली यही चाहिए होता है। आप देखो ना, रबी क्रॉप ग्रो कब करते हैं, अक्टूबर के महीने में बीज बोते हैं और मार्च आते आते कटाई कर लेते हैं। तो जब वीट की कटाई हो रही होती है, हार्वेस्टिंग हो रही होती है, तब क्या होती है, थोड़ी बहुत सनलाइट मिल रही होती है, सनशाइन मिल रही होती है, लेकिन जब ये ग्रो कर रहा होता है तब आपको ठंडक वाला मौसम मिल रहा होता है। राइपनिंग का मतलब पक के जब फसल तैयार होती है। इसको भी बारिश चाहिए, लेकिन क्योंकि सर्दियों में इतनी ज्यादा बारिश नहीं आती है, तो वीट को बहुत ज्यादा बारिश नहीं चाहिए। 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल में इसका काम हो जाता है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट प्रोड्यूसिंग एरिया दिखाऊं तो ये है,
मेजर एरियाज मार्क कर देती हूँ मैं, हिमाचल है ये उत्तराखंड है, यूके लिख रही हूँ, ये यूपी है, ये एमपी है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, और हाँ ये तो हो गए मेजर स्टेट्स। बाकी माइनर एरियाज में आप लिख सकते हो गुजरात, बिहार, राइट, राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्रॉप इज योर मिलेट। बच्चा मिलेट कोई एक क्रॉप नहीं होती, मिलेट इज अ ग्रुप ऑफ थ्री क्रॉप, ठीक है। मिलेट पे हम पढ़ते हैं ज्वार, रागी, बाजरा, जैसे सीरियल क्रॉप्स एक टर्म हो गई, वैसे ही मिलेट एक टर्म होती है। मिलेट में हम तीन क्रॉप्स पढ़ने वाले हैं, ज्वार, रागी और बाजरा। इन्हें कोर्स ग्रेन बोला जाता है। कोर्स ग्रेन का मतलब होता है ये छूने में थोड़े दरदरे होते हैं, इनका जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूद नहीं होता है। जैसे जो गेहूं होता है वो बहुत स्मूद होता है ना, चिकना होता है, राइस भी बहुत चिकना होता है, लेकिन ज्वार, रागी, बाजरा के अगर आप बीज देखोगे तो वो बहुत स्मूद नहीं होते हैं, वो थोड़े खुरदुरे होते हैं बाहर से, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें बहुत होती है। बोला जाता है कि फाइबर बहुत मिलता है ज्वार, बाजरा और रागी से। एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके। ज्वार की बात करें तो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, मतलब अच्छे खासे भारत में, अच्छे खासे भारत के एरिया में ज्वार ग्रो होता है। रेन फेड क्रॉप है, इसे बारिश चाहिए होती है, मोस्टली मॉइस्ट एरियाज पे होता है। अगर बारिश अच्छी नहीं मिल पा रही है तो आपको क्या देना पड़ेगा, खेतों में सिंचाई करनी पड़ेगी। तो कर्नाटका आप जानते हो काफी नदियां हैं वहां पे, कोस्टल इलाका है, आंध्र प्रदेश कोस्टल इलाका है, मध्य प्रदेश में भी पानी ठीक ठाक पड़ जाता है, महाराष्ट्र भी कोस्टल इलाका है, तो इन सारे कोस्टल इलाकों साइड पे ज्वार की खेती अच्छी होती है। बाजरा, बाजरा का लीडिंग प्रोड्यूसर है आपका राजस्थान, चिंता मत करना, लीडिंग प्रोड्यूसर सबके मैं करा दूंगी क्योंकि आपके सिलेबस में है और हम मैप पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे जरूर, अभी आखिरी में करेंगे लेक्चर के। तो बाजरा जो है थोड़ी रेतीली मिट्टी पे भी ग्रो कर जाता है और शैलो काली मिट्टी पे भी ग्रो कर जाता है। तो काली मिट्टी मिलती है आपकी महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात साइड, और सैंडी मिट्टी मिलती है आपकी राजस्थान और थोड़ा सा हरियाणा वाली साइड, है ना। तो इन्हीं सारी स्टेट्स में जो है बाजरा अच्छा ग्रो करता है। यूपी तो बच्चा जहां पे भी कुछ समझना है यूपी लिख दिया करो, क्योंकि यूपी इतना बड़ा है कि हर तरीके की क्रॉप कुछ ना कुछ मात्रा में ग्रो तो जरूर होती है। ओके, देन देयर इज रागी। रागी में बहुत सारा आयरन, कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। रागी बहुत बोला जाता है, स्पेशली बच्चों को डाइट में इंक्लूड करने के लिए बहुत बोला जाता है, किसी ना किसी फॉर्म में रागी खा ही लेना चाहिए। रफेज यानी कि फाइबर भी बहुत होता है, ड्राई एरियाज में ग्रो होता है, लाल मिट्टी में भी ग्रो हो जाता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन इसे मिट्टी में चाहिए नहीं, तो किसी भी मिट्टी में ग्रो हो जाता है, ब्लैक सॉइल में ग्रो हो जाता है, सैंडी सॉइल में ग्रो हो जाता है, रेतीली मिट्टी मतलब की काली मिट्टी में ग्रो हो जाता है, लोमी यानी कि थोड़ी चिकनी मिट्टी में ग्रो हो जाता है, लाल मिट्टी में ग्रो हो जाता है, सब जगह ग्रो हो जाता है। तो कर्नाटका से लेके, तमिलनाडु से लेके, यूपी से लेके, झारखंड से लेके, हिमाचल प्रदेश से लेके सिक्किम तक कहीं पे भी रागी ग्रो हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मूडी क्रॉप नहीं है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। याद रखना कि 3 मिलेट पड़े, 3 मिलेट में से जो ज्वार है बस वही वेट एरियाज में ग्रो होता है क्योंकि इसे बारिश चाहिए। बाजरा और रागी जो है वो ड्राई एरियाज में भी ग्रो हो जाते हैं। नाउ अब करते हैं हम सबका फेवरेट कॉर्न यानी कि मक्का यानी कि मेज। मेज है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन से होते थे? बारिश वाले क्रॉप। तो मेज को क्या चाहिए? पानी चाहिए। मक्का एक ऐसी क्रॉप है बच्चा जो खाने की तरह भी इस्तेमाल होता है और फॉडर की तरह भी इस्तेमाल होता है। फॉडर मतलब चारा। किसका चारा? गाय, बैल, बकरियों का चारा, ठीक है। बिहार जैसी स्टेट्स में मेज जो है रबी सीजन में ग्रो किया जाता है। तो मेज डिपेंड करता है, देखो कई स्टेट्स में टेम्परेचर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कई स्टेट्स में रबी की तरह ग्रो करते हैं, कई स्टेट्स में खरीफ की तरह भी ग्रो कर लेते हैं। भाई नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करोगे या साउथ इंडिया की बात करोगे तो वहां गर्मी नॉर्थ इंडिया जितनी जर्जर गर्मी नहीं पड़ती है, राइट, पड़ती है लेकिन इतनी भयानक गर्मी नहीं पड़ती है जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में पड़ती है, 50 डिग्री सेल्सियस टाइप। तो वहां पे जो है इसे खरीफ क्रॉप की तरह भी ग्रो कर लेते हैं, लेकिन बिहार जैसे एरिया में इसे रबी सीजन में ग्रो करना पड़ता है, ठीक है। मॉडर्न इनपुट लगते हैं मेज में क्योंकि मक्का का हार्वेस्टिंग बहुत सिंपल नहीं है। मक्के की हार्वेस्टिंग अगर आप हाथ से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आपका खेत बड़ा है तो आपको मॉडर्न मशीन, थ्रेशिंग मशीन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ताकि आप जल्दी 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 से मक्का कलेक्ट कर पाओ अपने फार्म से। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड इसमें लगते हैं। बाकी मक्का पूरे देश में ही किसी ना किसी मात्रा में ग्रो होता है, कर्नाटका, एमपी, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ज्यादा ग्रो होता है, तो सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में ज्यादा ग्रो होता है, ऐसे याद रखना आप।
नॉर्थ, एक्सट्रीम नॉर्थ में ग्रो नहीं होता है और नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होता है। रिक्वायरमेंट इसकी है कि इसे टेम्परेचर चाहिए होता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस बिहार में देखो, गर्मियों में तो मिलेगा नहीं है टेम्परेचर, तो सर्दियों में ही ग्रो करना पड़ेगा ना। एनुअल रेनफॉल इसे चाहिए होती है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, इसलिए क्या है, खरीफ क्रॉप्स है। एलुवियल मिट्टी चाहिए होती है इसे, मिट्टी चाहिए फर्टाइल। चिंता मत करो, सारी क्रॉप्स का मैं एक चार्ट बना के आपको आखिरी में जरूर दूंगी, जिसमें उनका क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सीजन, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी स्टेट, सब कुछ दिया हुआ है। तो ऐसा मत सोचना कि मैम आपने राइस और वीट का तो टेम्परेचर बताया नहीं, उन सबका टेम्परेचर उसमें दिया हुआ है। वी विल कंक्लूड दिस देयर ऑल्सो वंस। आगे चलते हैं, पल्सेस। पल्सेस जो है, इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, मतलब हम सबसे ज्यादा उगाते भी खुद ही हैं और सबसे ज्यादा खाते भी खुद ही हैं। मेजर सोर्स होता है प्रोटीन का, स्पेशली एक वेजिटेरियन डाइट में। जो लोग मीट नहीं कंज्यूम करते हैं उनको प्रोटीन जो है दालों से अच्छा क्वांटिटी में मिल जाता है, लेकिन ये कहने की बातें हैं, बहुत सारी दाल पियोगे तो उतना प्रोटीन मिलेगा जितना आपको फिश में मिलेगा। इसलिए जो लोग वेजिटेरियन है, दाल ज्यादा पिया करिए। और कम मॉइस्चर चाहिए होता है इसे, कम मॉइस्चर के साथ ड्राई कंडीशन में भी उग जाता है। बहुत सारी तरीके की दालें आती हैं, दाल का मतलब एक दाल तो है नहीं, उड़द दाल है, मसूर दाल है, मूंग दाल है, चना दाल है, अलग अलग तरीके की दाल है, अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में ग्रो की जाती हैं। आप देखते हो कि दाल पूरा इंडिया खाता है, चाहे वो रसम या सांबर के फॉर्म में खाए या दाल मखनी के फॉर्म में खाए, दाल जो है खाई तो अलग अलग फॉर्म में जाती है, तो उगाई भी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हर जगह ग्रो की जाती है। अगेन, बहुत एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं होती है, बहुत एक्सट्रीम ऐसी जगहों में ग्रो नहीं कर सकते हो जहां बारिश बहुत ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि दाल जो है ड्राई क्रॉप है। तो अगर एक दो फीचर आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सी स्टेट में ग्रो होती है। ड्राई क्रॉप है तो चीरापुंजी में तो ग्रो नहीं करोगे ना यार, रोज बारिश आती है वहां पे। तो दैट्स योर पल्सेस। लेगुमिनियस क्रॉप होता है, बायो में से पढ़ते हो, सॉइल की फर्टिलिटी, नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से, सिम्बायटिक कल्चर की वजह से ये इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करती रहती है हवा से, मिट्टी में, और इसीलिए इसे लेग्यूमिनियस क्रॉप बोला जाता है। तो दाल उगाने से आपकी सॉइल की भी फर्टिलिटी बरकरार रह रही है। यूजली लोग क्या करते हैं, फार्मर्स इसे क्रॉप रोटेशन के साथ ग्रो करते हैं, मतलब एक साल कोई और क्रॉप ग्रो कर ली, दूसरे साल दाल कर ली, फिर तीसरे साल कोई और क्रॉप ग्रो कर ली, फिर चौथे साल दाल कर ली। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि दाल उगाने से सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है। तो दीज आर योर लेग्यूम्स, यानी कि दालें। नेक्स्ट है फूड क्रॉप्स एंड अदर ग्रेन्स। पहला है गन्ना। लाइक आई सेड, गन्ने को कितना टाइम चाहिए होता है, 11 महीने चाहिए होते हैं। गन्ना किस तरीके का क्रॉप है, ट्रॉपिकल क्रॉप है जी। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक के पास, यानी कि इक्वेटर के पास अच्छा ग्रो होता है। इक्वेटर के पास हमारे यहाँ कौन सी स्टेट्स हैं, हमारे पास स्टेट्स हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। लेकिन साथ में एनसीईआरटी बोलती है कि ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है, मतलब कि इक्वेटर से थोड़ा सा दूर भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो इक्वेटर से दूर हमारे यहाँ कौन सी क्रॉप है, कौन सी स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहने का मतलब है कि साउथ इंडिया में और हमारे नॉर्थ इंडिया में दोनों ही जगह गन्ना अच्छे से ग्रो किया जाता है। इंडिया अगेन इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील। गन्ना सिर्फ चीनी बनाने के काम नहीं आ रहा, गुड़ बनाने के काम भी आता है, बूरा बनाने के काम भी आता है, खंड सरी और मोलासेस बनाने के काम भी आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब जगह गन्ना ग्रो होता है। लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी का गन्ना कहाँ ग्रो होता है, जिसमें सबसे ज्यादा सुक्रोज, सबसे ज्यादा मिठास होती है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो लीडिंग प्रोड्यूसर इसका कोई भी स्टेट हो, लेकिन महाराष्ट्र के गन्ने में होता है सबसे हाई मिठास, यानी कि सबसे ज्यादा सुक्रोज। क्लाइमेट इसे चाहिए होता है, हॉट क्लाइमेट में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है, ह्यूमिड क्लाइमेट यानी कि बहुत ज्यादा उमस होगी हवा में तो भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी चाहिए। रेनफॉल भी ठीक ठाक चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल दे दो, बढ़िया है। रेनफॉल नहीं आ रही आपके यहाँ अच्छी, आपको गन्ना ग्रो करना है तो आप थोड़ी सी इरिगेशन करके दे दो इसे, है ना, सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स, तेल। ऐसे बीज जिन्हें पेर के आप तेल निकाल सकते हो, जिन्हें प्रोसेस करके आप ऑयल निकाल सकते हो। तो बहुत सारे बीज होते हैं, ऐसे कोई एक बीज नहीं होता है बच्चा। मूंगफली का तेल आपने मार्केट में सुना है, सरसों का तेल सुना है, नारियल का तेल सुना है, तिल का तेल सुना है, सोयाबीन का तेल सुना है, कैस्टर सीड्स का तेल सुना है, कॉटन का तेल सुना है, कॉटन का तेल तो नहीं सुना मैंने, मैंने खुद ने नहीं सुना, लिन का तेल सुना है, सनफ्लावर ऑयल में तो खाना ही बनता है रोज हमारे घरों में। तो ये सारे तरीके के ऑयल सीड्स होते हैं। इंडिया इनमें भी थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कनाडा और चाइना बाजी मार ले जाते हैं यहाँ पे, इंडिया देखिए थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हम
तेल यूज बहुत करते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी खासियत है, हम तेल इस्तेमाल बहुत करते हैं, बॉइल्ड खाना हमें पसंद नहीं आता बहुत ज्यादा। तो 12% हमारा जो इंडिया का क्रॉप्ड एरिया है, 100% में से जो 12% जो फार्मिंग होती है वो किसके लिए होती है, ऑयल सीड्स के लिए होती है। बहुत सारा तेल हम अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारा तेल हम जो है देश से एक्सपोर्ट करते हैं बाकी देशों में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दीज ऑयल्स आर एडिबल, मतलब एडिबल मतलब खाना बनाने के काम आते हैं। कुछ तेल हैं इसमें से जो खाना बनाने के काम नहीं आते हैं, लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम आते हैं, या मेडिसिनल पर्पज से काम आते हैं, कॉस्मेटिक्स में काम आते हैं, सोप प्रोडक्शन में काम आते हैं, राइट। जैसे जोजोबा ऑयल है, जोजोबा ऑयल है सॉइल प्रोडक्शन, वो सोप प्रोडक्शन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम आता है। फिर आपका ये कोकोनट ऑयल, आप जानते हो कि बहुत सारे बॉडी लोशंस वगैरह में डलता है। तो ऑयल सीड्स के सिर्फ खाना बनाने वाले काम नहीं है, देर आर अदर पर्पसेस ऑल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मूंगफली। ऑयल सीड्स में सारे ऑयल सीड्स हमें डिस्कस नहीं करने हैं, जो एनसीईआरटी में है वही डिस्कस करने हैं। पहला ऑयल सीड हमारा मूंगफली। मूंगफली कौन सी क्रॉप है? मॉनसून क्रॉप है, यानी कि क्या क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है जी। आधे से ज्यादा ऑयल सीड प्रोडक्शन हमारे देश में मूंगफली का ही होता है, क्योंकि हमें मूंगफली सारी नमकीन में डालना पसंद है, मूंगफली भून के भी खाना पसंद है, मूंगफली हमें उबाल के भी खाना पसंद है, और मूंगफली का तेल भी हमें पसंद है। तो मूंगफली हम बहुत ग्रो करते हैं। 2016 में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था मूंगफली का, आफ्टर चाइना। गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, गुजरात के बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी मूंगफली बड़ी मात्रा में ग्रो की जाती है। एक बात मैं बता रही हूँ, मूंगफली को काली मिट्टी बड़ी पसंद है, काली मिट्टी पे कॉटन और मूंगफली अच्छे से ग्रो होता है, ठीक है। फिर है लिनसीड एंड मस्टर्ड, यानी कि सरसों। सरसों जो है आपकी रबी क्रॉप, यानी कि सर्दियों में ग्रो की जाती है। सिसमम यानी कि तिल, तिल जो है आपका खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। अलग अलग फार्मर, अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न। कैस्टर, कैस्टर सीड की हिंदी में मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि कमेंट सेशन भर जाता है। तो कैस्टर सीड्स जो है वो रबी और खरीफ क्रॉप दोनों की तरह ग्रो किया जाता है, कई स्टेट्स में रबी, कई स्टेट्स में खरीफ। अब चलते हैं मेरी फेवरेट क्रॉप की तरफ, विच इज योर चाय, चाय पत्ती। चाय पत्ती प्लांटेशन एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती है, मतलब बड़े बड़े खेतों में सिर्फ एक क्रॉप ग्रो होती है, वो है आपकी चाय। बेवरेज क्रॉप है, बेवरेज आपको पता है ना, बेवरेज क्या होता है बच्चा? अल्कोहल के अलावा जो आप कंज्यूम कर सकते हो इन अ फॉर्म ऑफ ड्रिंक, उसे बेवरेज बोला जाता है। तो टी, कॉफी, ऑल ऑफ दैट इज बेवरेज। बेवरेज क्रॉप की तरह ब्रिटिशर्स ने इंडिया में चाय इंट्रोड्यूस की थी, और तब से पूरा भारत चाय का दीवाना चल रहा है। और हमारे मोस्टली जो टी प्लांटेशंस हैं वो भारतीय द्वारा ओन्ड हैं। दुनिया में हमारी चाय अब फेमस हो गई है, ब्रिटिशर्स का बड़ा योगदान है इसमें, थैंक्स टू देम, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो हमारी चाय काफी फेमस है। 2016 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाय का, आफ्टर चाइना। अच्छा, चाय थोड़ी सी मूडी, थोड़ी सी हाई मेंटेनेंस क्रॉप है, ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो हो जाती है, यानी कि केरला है ना, असम, सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो हो जाती है, जैसे कि असम और तमिलनाडु, नीलगिरीज, सब जगह ये ऐसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो हो जाती है। लेकिन याद रखना कि चाय की खेती हमेशा बड़े फार्म्स पे होती है, छोटे फार्म्स पे नहीं होती, छोटे एरिया में नहीं ग्रो करती, क्योंकि पत्तियों में से दाने निकालना बहुत मुश्किल है। पत्तियां जो है बाद में रोल होकर जो टी लीव्स बनती हैं वो छोटी मात्रा में ग्रो करोगे, बहुत पैसा नहीं मिलेगा। इनको मिट्टी जो चाहिए होती है वो काफी डीपली फर्टाइल चाहिए होती है, मतलब अंदर तक उसके अंदर पानी होना चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, उसमें वाटर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंटेंट यानी कि फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए। वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है चाय पत्ती को, लेकिन मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है, फ्रॉस्ट का मतलब ओस नहीं चाहिए, मूडी देख रहे हो कितने हैं, वार्म क्लाइमेट चाहिए लेकिन ओस नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंट शावर चाहिए। जब तक चाय पत्ती ग्रो होके तैयार नहीं हो गई है तब तक इसे फ्रीक्वेंट शावर चाहिए। एक बार बारिश आ जाएगी तो काम चल जाएगा ऐसा नहीं है, बार 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 बारिश चाहिए इसे थ्रू आउट द ईयर, तभी साउथ इंडिया में अच्छी ग्रो करती है, क्योंकि वहां जो बारिश है वो थ्रू आउट द ईयर थोड़ी 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 होती रहती है, राइट। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। आप ये जो चाय के पत्ते तोड़ने पड़ते हैं ना, इसके लिए लेबर लगती है, रोबोट से नहीं हो पाता है, रोबोट्स अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए हैं फार्मिंग में इतने, तो बहुत लेबर लगती है और लेबर स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, क्योंकि सबको पता भी नहीं होता है कि कौन सी वाली पत्ती एक्चुअली प्लक करनी है। इसीलिए आपकी हिमाचल साइड में ग्रो होती है, पालमपुर साइड में, असम साइड में ग्रो होती है, दार्जिलिंग, केरला, तमिलनाडु, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और थोड़ा बहुत केरला में चाय पत्ती अच्छे से ग्रो होती है। नेक्स्ट इज चाय पत्ती की राइवल क्रॉप, विच इज योर कॉफी। हमारी इंडिया की जो कॉफी है वो एक्चुअली हमारे इंडिया की है ही नहीं, बहुत अच्छी वैरायटी ऑफ कॉफी हमारे यहाँ ग्रो होती है, लेकिन ये कॉफी एक्चुअली हमारे भारत में येमन से इंट्रोड्यूस की गई थी। येमन की एक वैरायटी होती है कॉफी की अराबिका, अराबिका कॉफी हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी बहुत पुराने एंशियंट जमाने में, तब से इंडिया की क्रॉप होके रह गई है। अब इंडिया में लोग पसंद भी करते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं।
पहले जो है कॉफी का प्रोडक्शन बाबा बुडन हिल्स में हुआ करता था, फिर धीरे 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 वहां से कॉफी का प्रोडक्शन शिफ्ट होके नीलगिरीज में चला गया। बच्चा नीलगिरीज के पहाड़ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है, नीलगिरी के पहाड़ कर्नाटका में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं, केरला में भी हैं, तो इन तीनों स्टेट में कॉफी का प्रोडक्शन जो है बटा हुआ है। फिर भी अगर मुझे लीडिंग प्रोड्यूसर बोलना हो तो कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर है कर्नाटका। कुल हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी कि फल और सब्जियां उगाने को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। और आप जानती होगी मैंने बताया था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल मोस्टली जैद क्रॉप्स होते हैं, तो हॉर्टिकल्चर में बहुत ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है। हमारा इंडिया अगेन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सब्जियों में और फ्रूट्स में आफ्टर चाइना। हमारे पास हर तरीके के फ्रूट्स हैं क्योंकि हमारे पास हर तरीके का क्लाइमेट है, तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी हैं, टेम्परेट फ्रूट्स भी हैं, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी हैं, आम भी है, अमरूद भी है, वाटरमेलन भी है, लीची भी है, जामुन भी है, ज्यादा नाम नहीं लेंगे भूख लग जाएगी, आलू भी है और मटर भी है, हर तरीके के हमारे पास क्रॉप यहाँ पे है। मैंगोज, और अलग अलग स्टेट की अलग अलग खास बात है, डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेट में कैसा क्लाइमेट और किस तरीके की मिट्टी मिल रही है उस तरीके से हमारे यहाँ क्रॉप्स जो है डिवाइडेड हैं, स्पेशली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के अल्फांसो आम बहुत फेमस है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के आम फेमस हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में दशहरी फेमस है, महाराष्ट्र में अल्फांसो फेमस है, आम की तो अलग अलग वैरायटी अलग अलग स्टेट से आती है। नागपुर के संतरे फेमस हैं, चीरापंजी के भी संतरे फेमस हैं जो मेघालय में है। केरला तो आप जानते हो साउथ इंडिया में होते हैं, तो केरला ही नहीं, बनाना आप जानते हो कि साउथ इंडिया में होते हैं, केरला में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। केरला तमिलनाडु एक्चुअली लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं बनाना के, महाराष्ट्र और मिजोरम में भी होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। लीची, लीची हमारे उत्तर प्रदेश में बड़ी उगाई जाती है और पसंद की जाती है। मुजफ्फरपुर की लीची बड़ी फेमस है बिहार की, तो बिहार और यूपी में लीची और अमरूद की खेती अच्छी होती है। पाइनएप्पल थोड़ी ठंडी जगहों में होते हैं, तो बहुत गीली जगहों में होते हैं, मेघालय में होते हैं, आंध्र प्रदेश में होते हैं, तेलंगाना और महाराष्ट्र में होते हैं। एप्पल जो है, नहीं एक्चुअली पाइनएप्पल ट्रॉपिकल क्रॉप है, ट्रॉपिकल है, आइलैंड कंट्रीज में ज्यादा होता है ना, हाँ ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठंडी जगह पे नहीं होता भाई, ठंडी जगह पे होते हैं सेब, आड़ू, पियर यानी कि नाशपाती, एप्रिकोट, वॉलनट यानी कि वॉलनट को क्या बोलते थे हिंदी में, अखरोट, अखरोट, ये सब कुछ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड साइड होता है। उत्तराखंड में भी थोड़ा कमी होता है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ये सारी क्रॉप्स जो है ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स की। नॉन फूड क्रॉप्स मतलब कि ऐसी क्रॉप जिन्हें आप खा नहीं सकते, तो हमारे सिलेबस में है जूट, हमारे सिलेबस में है कॉटन, हमारे सिलेबस में है रबड़। पहले रबड़ की बात करते हैं, रबड़ जो है एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटोरियल क्रॉप मतलब इक्वेटर के पास, तो कहाँ होता है सबसे ज्यादा ग्रो? केरला में होता है जी सबसे ज्यादा ग्रो, और केरला के आसपास थोड़ा सा तमिलनाडु, थोड़ा सा कर्नाटका में भी ग्रो हो जाता है। कितनी गंदी हैंड राइटिंग है। ट्रॉपिकल एरियाज में अच्छा ग्रो होता है, लेकिन सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो किया जाता है, बट याद रखना ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा अच्छा ग्रो होता है। बारिश चाहिए होती है भयंकर, अभी तक की ऐसी क्रॉप है जिसे 200 सेंटीमीटर से ऊपर की रेनफॉल चाहिए होती है। टेम्परेचर चाहिए होता है ऐसे ह्यूमिड, टेम्परेचर चाहिए होता है ऐसे थोड़ा बहुत गर्म, तो 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप है क्योंकि आप जानते हो कि रबड़ कितनी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेके बहुत सारी अलग स्टेशनरी इंडस्ट्री तक भी रबड़ को इस्तेमाल किया जाता है। केरला, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार, गारो हिल्स ऑफ मेघालय आर द मेजर प्रोड्यूसर। और याद रखना कि सबसे बड़ी ऐसी इंडस्ट्री जो रबड़ को इस्तेमाल करती है, द बिगेस्ट इंडस्ट्री दैट यूटिलाइजेस रबड़ इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टायर बहुत बनते हैं। लीडिंग कंज्यूमर ऑफ रबड़। देन फाइबर क्रॉप्स पे आते हैं, फाइबर मतलब रेशे वाली क्रॉप जिनसे आप धागा बना सकते हो। फाइबर क्रॉप्स में हमारे पास है कॉटन, हमारे पास है हेम्प, हमारे पास है जूट, हमारे पास है सिल्क। इसमें से हम पढ़ेंगे सिर्फ कॉटन और जूट, हेम्प और सिल्क हमारे सिलेबस में नहीं है। सिल्क में बस हमारे सिलेबस में इतना ही है कि सिल्क खेतों में नहीं उगता है बच्चा, सिल्क का एक अलग प्रोसेस होता है। सिल्क महंगा इसलिए आता है क्योंकि सिल्क का ऑप्टेन करने का प्रोसेस बहुत टीडियस, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही लेबोरियस प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है सेरीकल्चर। एस फॉर सिल्क, एस फॉर सेरी, राइट। बाकी कॉटन, हेम्प और जूट आप मिट्टी में ग्रो कर सकते हो। सिल्क आपको शहतूत होता है ना, शहतूत मलबरी फ्रूट जो होता है, शहतूत की पत्तियों पे एक कीड़ा बैठता है जिसे सिल्क वोम बोला जाता है।
सिल्क वोम को रियर करके सिल्क के रेशे बनते हैं, इसीलिए सिल्क का सामान महंगा आता है। तो सेरीकल्चर इज रियरिंग ऑफ द सिल्क वोम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। अब डिपेंड करेगा कि किस तरीके का खान पान है उस कीड़े का, सिल्क वोम का, उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे रेशे निकल के आ रहे हैं। लेकिन आजकल बनाना सिल्क वगैरह बहुत अलग अलग चीजों से सिल्क बनने लगे हैं, पर फिर भी प्रीडोमिनेंटली इंडिया में सिल्क जो है वो कुकून से बनता है। किसके कुकून से बनता है? सिल्क वोम के कुकून से बनता है। नेक्स्ट कॉटन की बात करते हैं। कॉटन भी बहुत ही मूडी सी क्रॉप है। कॉटन को गर्मी पसंद है। कॉटन आप जानते हो टेक्सटाइल इंडिया में कितना यूज किया जाता है। एंशियंट इंडिया से कॉटन की बहुत अहमियत हमारे देश में, क्योंकि एंशियंट इंडिया से हमारे देश का जो मल कॉटन होता है, सॉफ्ट कॉटन होता है, वो पूरी दुनिया में फेमस है, आज भी फेमस है। 2016 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, अगेन आफ्टर चाइना। पता नहीं क्यों चाइना इतनी खेती कर रहा है, बट एनीवे खरीफ क्रॉप है, यानी कि इसे क्या चाहिए? पानी, राइट। डेकन प्लेट्यू पे उग जाता है क्योंकि डेकन प्लेट्यू कोस्टल इलाका है, काली मिट्टी में अच्छा ग्रो करता है। ये तो आप रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में पढ़ते हो। अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए, इसे गर्मी चाहिए, रेनफॉल चाहिए, थोड़ी बहुत चाहिए, लेकिन खरीफ क्रॉप है। 6 से 8 महीने में उग के तैयार हो जाता है। 210, ये देखो इसके मूडीनेस, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, मतलब ओस नहीं चाहिए इसे, ड्राई क्लाइमेट चाहिए 210 दिन का, और ब्राइट सनशाइन चाहिए। इसीलिए ये महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी में सबसे ज्यादा अच्छा ग्रो होता है। थोड़ा बहुत कर्नाटक, तमिलनाडु में भी ग्रो होता है, बट याद कर लो महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ सबसे ज्यादा ग्रो होता है, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज आपका जूट। जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? पहली बात तो इसका कलर गोल्ड होता है, आपको फोटो में दिख रहा है। दूसरा, गोल्डन फाइबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे काफी सारी चीजें बन जाती हैं। इससे आप झूले बना सकते हो, इससे आप कपड़े बना सकते हो, इससे आप बोरे बना सकते हो, इससे आप कारपेट बना सकते हो, इससे आप कर्टन बना सकते हो। जूट इज सो वर्सेटाइल, यू कैन मेक सो मेनी थिंग्स फ्रॉम इट। एंड जूट इज वेरी मूडी क्रॉप, वेरी हाई मेंटेनेंस। जूट को चाहिए होती है एक ऐसी मिट्टी जिसमें बाढ़ आई हुई हो, तो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल फ्लड प्रोन एरियाज में जूट अच्छा ग्रो होता है। फॉर एग्जाम्पल हुगली बेसिन, हुगली बेसिन में अच्छा ग्रो होता है। बिहार, आसाम, जहां पे बहुत भारी भारी नदियां है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पे अच्छा ग्रो होता है। वेस्ट बंगाल, मेघालय, उड़ीसा में जहाँ अच्छी नदियां मिलेंगी, अच्छे रिवर बेसिन मिलेंगे, यानी कि अच्छे गीले एरियाज मिलेंगे, फर्टाइल सॉइल वाले, वहां जूट ग्रो होगा। जूट आप जानती हो, जूट की मार्केट बहुत फ्लरिश कर सकती थी, लेकिन दुनिया में इतना सिंथेटिक फाइबर भरा हुआ है, जैसे कि प्लास्टिक और भी और सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, जो जूट से काफी सस्ता आता है और जूट से काफी आसानी से बन जाता है, इसलिए जनता जो है उसको यूज करती है और जूट को उसकी हाई कॉस्ट की वजह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन फिर अब दुनिया बदल रही है, ज्यादा सस्टेनेबल होने की कोशिश कर रही है, तो आगे फ्यूचर जूट का थोड़ा ब्राइट है एज कंपेयर टू द पास्ट, राइट। जब ये उग रहा होता है तो इसे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ये हाई टेम्परेचर इसे वेस्ट बंगाल और हुगली बेसिन में बढ़िया मिलता है, इसलिए वहां पे ये लीडिंग क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, विच इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। जस्ट गिव मी वन सेकेंड, रेनू तो आगे कर दूंगी यार, थैंक यू रिशु। हाँ जी, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब हम यहां से पढ़ने वाले हैं कि इंडिया की खेती में क्या क्या दिक्कतें आई हैं इतने ओवर द डेकेड्स, और उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए हैं या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए हैं। रिफॉर्म का मतलब होता है पॉजिटिव चेंजेस, यानी कि अच्छे बदलाव, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली बात तो ये है कि हमने अपने लैंड को इतने सालों से यूज किया हुआ है कि अब उस लैंड की फर्टिलिटी थोड़ी सी कम हो रही है, और इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। आई अंडरस्टैंड कि इंडिया ने आजादी के बाद बहुत सारा काम किया है और इरिगेशन फैसिलिटीज पे काम करके इंदिरा गांधी कनाल जैसे बहुत सारे कनाल बनाए हैं, ताकि जो फार्मर्स हैं कंट्री के, उन्हें मानसून पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, उनको उनकी खेती के लिए पानी मिल जाए। लेकिन फिर भी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन। क्या प्रॉब्लम है? ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन खेतों का साइज जो है कम होता जा रहा है बंटवारे की
वजह से। तो एक ऐसा देश जिसमें आज भी 60% से ऊपर जनता एग्रीकल्चर में काम करती है, उस देश में एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये है तो बात काफी गंभीर। तो हमने इसे सॉल्व करने के लिए 1947 से लेके अब तक बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जरूरी हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जरूरी हैं, और हमारे फार्मर्स खुश रहें, सबसे अच्छी बात, इसके लिए भी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जरूरी हैं। तो बात करते हैं आजादी की। 1947 में जब हमें आजादी मिली, तब तक हमारे अंग्रेज साहब जो थे, हमारे देश पे इतने सालों से राज कर रहे थे, वो ऑलरेडी हमारे देश से बहुत सारी चीजें लूटपाट करके चले गए थे। हमारी जमीन में से क्रॉप्स ग्रो कर करके, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज कर करके बहुत सारी चीजें लेके चले गए थे। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमें समझ आया कि हमारे देश के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फूड सिक्योरिटी। मतलब हम अपनी खेती को सबसे पहले सॉर्ट करना चाहते थे, अपने खेतों को, अपने फार्मर्स को सबसे पहले खुश रखना चाहते थे, ताकि हमारे देश में खाना हो, हमें किसी और देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। फूड सिक्योरिटी का मतलब सिक्योर तरीके से हमारे देश में खाना उगे और हर कोई भूखा ना सोए, राइट? तो हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस कई सारी चीजें की, जैसे कि कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन, जमींदारी को अबॉलिश करना, कॉपरेशन सिस्टम बनाना, कॉपरेटिव सोसाइटीज बनाना, लैंड रिफॉर्म्स बनाना। पहले ही फर्स्ट ईयर प्लान, जो पहला प्लानिंग फर्स्ट ईयर प्लान बना था ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तब से हम लैंड पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम तो है कि लैंड के टुकड़े जो है छोटे छोटे हो गए हैं, तो अब लैंड रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा, अब हमें थोड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज की जरूरत है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन दिस इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म इन 1960s। बच्चा, 1950s से लेके 1970 तक हमारे देश का फोकस कहाँ था पता है? एग्रीकल्चर। और मैंने आपको बताया ना कि एग्रीकल्चर में सिर्फ फार्मिंग नहीं आती है, एग्रीकल्चर में डेयरी भी आती है। तो हमारे हमारे देश में दो रेवोल्यूशन जारी किए गए थे, एक का नाम था हरा रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, एक का नाम था सफेद यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने फोकस किस पे किया? खेतों पे, यानी कि फार्मिंग पे फोकस किया। और व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, उस पे हमने किस पे फोकस किया? हमने मिल्क पे फोकस किया। ये दोनों चीजें हमने फोकस क्यों की? ताकि हमारे देश में क्या आए? फूड सिक्योरिटी आए। आप जानते हो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, वर्गीज कुरीन जो थे, उन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है। और जो ये आप ये आइसक्रीम खाते हो और बटर खाते हो, यानी कि अमूल, अमूल इज ऑल्सो अ बर्थ ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो कहने का मतलब है 1950 से लेके 1970 तक हमने अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन किए। अब इसका आउटकम ये हुआ कि ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन से डेवलपमेंट हुई, लेकिन डेवलपमेंट कुछ पर्टिकुलर एरियाज में हुई। फॉर एग्जाम्पल यूपी, फॉर एग्जाम्पल पंजाब, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, यहां पे किसकी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली? ग्रीन रेवोल्यूशन की। और अगर व्हाइट रेवोल्यूशन का बात करूं, तो व्हाइट रेवोल्यूशन का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला गुजरात में, राइट? तो कुछ पर्टिकुलर स्टेट थी जहां पे ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला, कुछ पर्टिकुलर स्टेट थी जहां इनका प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिला। तो ये एक तरीके से क्या था? डिसएडवांटेज था। फिर 1970 तक हमने इस पे ध्यान दिया, फिर 1980s और 1990s में, 10-20 सालों के लिए अलग, हमने फिर कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक साथ, लैंड मतलब जमीन, डेवलपमेंट मतलब प्रगति। तो लैंड की प्रगति के लिए टोटल प्रोग्राम बनाना, जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हों, जिसमें टेक्निकल रिफॉर्म्स भी हों, जिसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी हों, ये चीज कब की गई थी? 1980s और 1990s में। इससे पहले क्या किया गया था? ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन। उसके बाद हमने 1990s के बाद से क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिसीज, इन सारी चीजों पे काम किया, ग्रामीण बैंक बनाना, कॉपरेटिव सोसाइटीज बनाना, ये सारी कुछ चीजें हैं जो 1990s के बाद जिन पे ज्यादा फोकस किया गया। तो आप देख रहे हो कि देश की डेवलपमेंट जो है इस तरीके से बटी हुई थी, पहले 20 साल ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन, फिर 80s, 70s, 90s कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और फिर 1990s के बाद ग्रामीण बैंक, कॉपरेटिव सोसाइटीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन।
स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन टीवी एंड रेडियो। अच्छा, हमें एक बात ये भी समझ आई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे देश में बढ़ी, हमें ये बात समझ आई कि सारे फार्मर्स को खेती करनी आती नहीं है। देखो, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों को पढ़ाई करनी आए या सारे टीचर्स को पढ़ाना आए। सिमिलरली, सारे फार्मर्स को खेती करना आए, दिस इज एन अजम्पशन, ऐसा है नहीं। तो फार्मर्स को कभी कभी नॉलेज भी नहीं होती है कि उनके फार्म में अगर एक कीड़ा लग गया है तो उसको कैसे ठीक करना है, या अगर कोई बारिश ज्यादा आने वाली है इस साल तो कैसे अपनी ड्राई क्रॉप्स को ग्रो करना है, या बारिश कम आने वाली है तो अपनी वेट क्रॉप्स को कैसे ध्यान देना है, या साइक्लोन आने वाला है तो क्रॉप को कैसे बचा सकते हैं। ये सारी नॉलेज सारे फार्मर्स को होती नहीं है। तो उसी के लिए हमने काफी सारे प्रोग्राम्स चालू किए, कुछ हमारे टीवी पे आते थे, नेशनल टेलीविजन चैनल्स पे, है ना, दूरदर्शन पे, कुछ हमारे रेडियो पे, आकाशवाणी पे आते थे। ये सारे प्रोग्राम, ये सारे वेदर बुलेटिन हमने क्यों चालू किए? ताकि फार्मर्स को पता हो कि वेदर कंडीशन क्या होने वाली है, बारिश आएगी इस साल की नहीं आएगी, आएगी तो कितनी आएगी, या कोई साइक्लोन तो नहीं आने वाला, ये सारी खबर उन्हें पर्याप्त मामले में मिलती रहे। आज भी अगर आप देखोगे तो हमारे आकाशवाणी चैनल पे प्रोग्राम्स चलते हैं जहां फार्मर फोन करके बोलते हैं कि उनके उनके फार्म में क्या प्रॉब्लम है और फिर उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी चीज है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हमें एक और समझ आया कि करप्शन बहुत है और करप्शन देश के हर चीज में, राइट? तो क्या होता है कि फार्मर्स अगर क्रॉप ग्रो भी कर लेते हैं तो जब शहरों में वो बेचने जाते हैं, देखो गांव के फार्मर, उनका शहरों में कोई कनेक्शन नहीं है, शहरों में जब वो क्रॉप बेचने जाते हैं तो उन्हें मिलते हैं ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब विक्रेता, होलसेल में जो क्रॉप उनसे खरीदते हैं और फिर आगे जाके बेचते हैं। ये ट्रेडर क्या करते हैं कि उन्हें करप्ट होने की वजह से उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, मेन फार्मर्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट केम अप विद मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब अगर आपको किसी ट्रेडर को अपनी क्रॉप नहीं बेचनी है, या मार्केट में जाके डायरेक्टली क्रॉप नहीं बेचनी है, वो झंझट आपको चाहिए ही नहीं, तो आप चुपचाप घर में बैठ के अपनी क्रॉप ग्रो करो, अपने खेतों में अपनी क्रॉप ग्रो करो, उन क्रॉप्स को आप सरकार को बेचो। अब बोलोगे मैम इसमें बार्गेनिंग पावर का क्या होगा, है ना भाई, मैं कोई सामान बेच रही हूँ तो मेरा जितना मन करेगा मैं उतने में बेचूंगी ना। तो बार्गेनिंग पावर मेंटेन करने के लिए सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल अनाउंस करती है। हर साल खेती के सीजन से पहले आटे का, सॉरी, गेहूं का कितना प्राइस मिलेगा, चावल का कितना प्राइस मिलेगा, दाल का कितना प्राइस मिलेगा, ये सब ऑलरेडी अनाउंस हो जाता है। इसी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर फार्मर्स को ये प्राइस पसंद आता है तो वो उस हिसाब से खेती करते हैं और सरकार को अपनी क्रॉप बेचते हैं। तो अगर कोई आपकी क्रॉप नहीं खरीदेगा तो सरकार बैठी है आपकी क्रॉप खरीदने के लिए उस पर्टिकुलर दाम पे जो उसने पहले आपको बताया हुआ है, राइट? और ये हर साल रिवाइज होता है महंगाई देखते हुए और क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग टेक्निक्स देखते हुए, हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिवाइज होता है। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, क्रेडिट कार्ड मतलब जिस कार्ड पे आपको लोन मिल सकता है, किसान मतलब फार्मर। तो किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड होता है जो सिर्फ किसानों के लिए बनाया गया है, ताकि खेती करने से पहले जो खर्चा होता है ना, बीज का खर्चा, मशीनों का खर्चा, टूल्स का खर्चा, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इस सारी चीजों का खर्चा, लेबर को पे करने का खर्चा, ये सारे खर्चे के लिए अगर किसी फार्मर को लोन चाहिए तो वो क्रेडिट कार्ड पे आप ले सकते हो। ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, 1 लाख, 1.5 लाख, जितनी भी लिमिट होगी उतना ही आप लोन ले सकते हो। बाद में आपकी फसल जब पक के तैयार हो जाए तो उसे बेच के आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर दीजिए। फिर है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। भाई आजकल तो हम अपने आईफोन का वो करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं, फोन का इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो फिर हम अपने खेतों का इंश्योरेंस नहीं कराएंगे क्या? ऑब्वियसली कराएंगे क्या? तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई थी उन फार्मर्स के लिए जिन्हें खतरा लगता है कि अगर मान लीजिए आपकी फसल खराब हो गई तो फिर फसल फसल के लिए तो आप पूरा साल वेट करते हो ना कि फसल होगी तो बेच के पैसा कमाओगे और घर चलेगा। फसल में ही कीड़े लग गए या कोई नेशनल डिजास्टर आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, फिर क्या करोगे? तो इंश्योरेंस करा लेते हैं लोग अपने खेतों का। फसल खराब भी होती है तो उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलता है? पैसा मिलता है, और वो भूखे नहीं रहते हैं, उनकी फैमिलीज को पैसे जरूर मिल जाते हैं, ठीक है जी। भूदान ग्रामदान। अच्छा, अब इसमें से मैं बता दूं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कौन से हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन से हैं। अगर आप टीवी रेडियो की बात कर रहे हो तो ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है। किसान क्रेडिट कार्ड टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है। इंश्योरेंस टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस टेक्नोलॉजिकल भी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल भी नहीं है, बीच में है, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी में लिख देना। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। उसके अलावा अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, रिसर्च सेंटर बना रहे हो खेती को प्रमोट करने के लिए, तो वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। तो टेक्नोलॉजी वाली चीज है टेक्नोलॉजी में, इंस्टीट्यूशन वाली चीज है इंस्टीट्यूशन। आगे चलते भूदान और ग्रामदान बाद में डिस्कस करती हूँ।
नहीं, भूदान ग्रामदान कर लेते हैं, आपकी बुक में दिया ही हुआ है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बच्चा, भूमि का मतलब होता है लैंड, दान का मतलब होता है चैरिटी। दान का कोई अच्छा सा वर्ड बताओ। चैरिटी नहीं बोलते, लाइव चैट, दान को क्या बोलेंगे? दान देना, टू गिव बेसिकली। भू का मतलब लैंड, दान का मतलब टू डोनेट, ओ डोनेट, ये आ गया वर्ड। ग्राम का मतलब विलेज, तो भूदान मतलब जमीन का दान, ग्रामदान मतलब गांव का दान, पूरे पूरे गांव का दान। विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था ये, श्री रामचंद्र रेड्डी जी। विनोबा भावे जी गांधी जी को बहुत मानते थे, और फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जब देश आजाद हुआ था तो देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कई सारे फार्मर्स थे जो इतने अमीर थे कि उनके पास खेत ही खेत थे। मतलब खेत तो छोड़ो, इतने अमीर अमीर फार्मर्स थे हमारे यहाँ, जमींदार तालुकदार वगैरह, जिनके पूरे पूरे गाँव थे, ये गाँव ही उनको बिलोंग करता है, इतने अमीर लोग। और ज्यादातर फार्मर ऐसे थे जिनके पास थोड़े थोड़े जमीन के टुकड़े भी नहीं थे। तो भूदान और ग्रामदान वहीं से शुरू हुआ था। आप देखो, एक तरीके से सोशलिज्म रिप्रेजेंट करता है ये, सब कुछ मिक्स है, SST मिक्स ही है, ठीक है। तो श्री रामचंद्र रेड्डी जी पहली बार उभरे थे जिन्होंने भूदान को स्टार्ट किया था। उन्होंने अपना 80 एकड़ का, वो खुद फार्मर थे, उनके पास बहुत सारी जमीन थी, 80 एकड़ का लैंड उन्होंने अपने विलेज के ऐसे 80 फार्मर्स को दे दिया था जिनके पास लैंड था ही नहीं। तो उनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन से, उनके डोनेशन से बाकी लोग प्रेरित हुए थे कि ये पूरा मूवमेंट चल गया था, भूदान ग्रामदान। इंडिया के कई सारे पार्ट्स में अमीर फार्मर्स ने अपने लैंड को गिव अप कर दिया था, अपने विलेजेस को गिव अप कर दिया था उन फार्मर्स के लिए जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, राइट। सो दिस वॉज अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन, क्योंकि इसमें किसी को मारा काटी नहीं की गई, कोई लड़ाई क्रांति नहीं की गई, बल्कि बहुत सभ्य तरीके से डोनेशन के साथ जो है प्रॉब्लम सॉल्व की गई थी इंडिया की। सो दिस वॉज भूदान मूवमेंट स्टार्टेड बाय विनोबा भावे। आगे चलते हैं, अब एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखते हैं। बच्चा, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे इंडिया में जो भी एक्टिविटीज होती है ना, ये किसी भी देश में जो भी एक्टिविटीज होती है जिनसे पैसे मिलते हैं, जैसे टीचिंग, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, कॉबलर, शॉपकीपर, ऐसी कोई भी एक्टिविटी, बेकर, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे पैसे मिलते हैं, उन्हें आप प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में डिवाइड करते हो। अब इन तीनों सेक्टर का एक देश की, अगर आपको पता लगाना है कि एक देश अमीर है कि गरीब है, तो उसके कुछ पैरामीटर होंगे। जैसे एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है कि बुरा है, हम कैसे बोलते हैं? मार्क्स के बेसिस पे बोलते हैं। सिमिलरली, देश कितना इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है वो हम जीडीपी के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की जितनी एक्टिविटीज होती हैं, उनसे जितना पैसा जनरेट होता है, उस सबको फाइनल सर्विसेज और गुड्स से जो पैसा जनरेट होता है उसको हम टोटल कर देते हैं, तो देश का आ जाता है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन आपको समझ नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपका जो चैप्टर है उसमें आप ये डिटेल में पढ़ोगे, मैं सिर्फ ब्रश अप कर रही थी। तो जीडीपी में सारे सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, एग्रीकल्चर का भी कंट्रीब्यूशन है, जस्ट लाइक आपके फाइनल मार्क्स में एसएसटी का कंट्रीब्यूशन है, मैथ्स का कंट्रीब्यूशन है, इंग्लिश का कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है बच्चा, वो एम्प्लॉयमेंट तो ज्यादा है, मतलब कि देश में ज्यादातर जनता एग्रीकल्चर करती है, लेकिन ज्यादातर जनता को जितना पैसा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए था ना, उतना पैसा नहीं आता। सोच के देखो, एसएसटी में आप मेहनत बहुत करते हो, लेकिन एसएसटी में आपके जितने मार्क्स आने चाहिए उतने मार्क्स नहीं आ रहे, तो मतलब आपकी मेहनत कहीं वेस्ट हो रही है। सिमिलरली, इफ मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर बट दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन जीडीपी एज मच, मतलब उनकी मेहनत जो है वेस्ट हो रही है। इसी को देखते हुए, इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हुए, हमारी सरकार ने एग्रीकल्चर को और पुश करने की कोशिश की थी और सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बनाए थे। ये कौन से रिफॉर्म्स हैं? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। इससे पहले वाले मोस्टली कौन से थे? टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स थे। हमारी सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च बनाया था, जो नई नई तरीके की क्रॉप बीमारियां, क्रॉप पे लगने वाली बीमारियों पे रिसर्च करते हैं और हमारे एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बनाई गई, देश की मोस्टली सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। वेटनरी सर्विसेज, क्योंकि मैंने बताया एग्रीकल्चर में सिर्फ फार्मिंग नहीं आती है, तो वेटनरी सर्विसेज, वेटनरी हॉस्पिटल, वेटनरी रिसर्च सेंटर भी बनाए गए। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स को प्रमोट किया गया। हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की खेती को प्रमोट किया गया, रिसर्च को प्रमोट किया गया। मीटियोरोलॉजी और वेदर फोरकास्ट को डेवलप किया गया ताकि हमारे फार्मर्स को पहले से पता चल सके अगर कोई साइक्लोन या कोई आंधी तूफान आने वाला है तो। ऑल ऑफ दिस वाज डन टू प्रमोट द एग्रीकल्चर। अब आप जीडीपी में आप देख ही रहे हो, ये टेबल भी आपको यही दिखा रहा है कि 2013 से 15 में जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर का कम ही रहा है ना। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज बीन डीएक्सिलरेटिंग
विच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। धीरे 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 देश जहां उन्नति कर रहा है, देश का जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन उस जीडीपी में, उस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे घट रहा है। देखो माइनस में चला गया था 2014-15 में, तो भाई यहाँ 4.2 से स्टार्ट हुआ, 0.2 चला गया, फिर 1.1 में आ गया, तो ये तो डी एक्सिलरेट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि जो लोग एग्रीकल्चर में इम्प्लॉयड हैं एक्चुअली में, उनको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है जितना पैसा उनको उनकी मेहनत का मिलना चाहिए था। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें देश में और जनरेट करनी चाहिए, ताकि वो जो एक्स्ट्रा लोग फार्मिंग में एम्प्लॉयड हैं वो बेचारे कहीं और जॉब कर सके और अपनी फैमिली इनकम बढ़ा सके। नाउ मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स, तो एक तो प्रॉब्लम हमने देखी कि हमारे यहाँ जो लैंड होल्डिंग है वो छोटी होती जा रही है बिकॉज ऑफ राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अब बाकी प्रॉब्लम्स भी पड़ते हैं, वो भी लिख दूं क्या? वो भी लिख देती हूँ। एक मेजर प्रॉब्लम है स्मॉल लैंड होल्डिंग, दूसरी प्रॉब्लम है इंटरनेशनल मार्केट। देखो बाकी जो देश हैं दुनिया के वो डेवलप्ड हैं मोस्टली। अब डेवलप्ड देशों में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो वो अपने फार्मर को सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी देने का मतलब डिस्काउंट देते हैं, चाहे बीज खरीदने हो, चाहे मशीन्स खरीदनी हो, सब चीज़ पे डिस्काउंट मिल जाता है। हमारे देश में इतना पैसा नहीं है तो हम डिस्काउंट इतना नहीं दे पाते, पहले देते थे, अभी डिस्काउंट देना भी बंद कर दिया फर्टिलाइजर वगैरह पे। तो इंटरनेशनल मार्केट से जो खेती का सामान आता है वो ठीक ठाक रेट पे भी आता है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ के बेचारे फार्मर्स की क्रॉप में अक्सर कीड़े लग जाते हैं और वो कीड़े ठीक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज या मीन साधन नहीं है। तो फिर इंडियन फार्मर्स को इंटरनेशनल मार्केट के प्रोडक्ट्स के साथ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। दूसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, हमारा पहले जो है सरकार इरिगेशन में पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती थी 50s और 60s में, आजकल जो है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, इरिगेशन में, पावर में, रूरल सड़कों में, मार्केट में, इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट जो है सरकार ने कम कर दिया है। तीसरा पहले लाइक आई सेड पहले हम फर्टिलाइजर्स में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हम फर्टिलाइजर पे डिस्काउंट दिया करते थे फार्मर्स को, तो फार्मर बड़े मजे से फर्टिलाइजर खरीद के अपनी खेती अच्छी करते थे, लेकिन अब हमने फर्टिलाइजर्स पे डिस्काउंट देना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अब 1990 के बाद से क्या हुआ भाई, ट्रेड के द्वार खोल दिए हमने। 1990 के बाद से हमने अपने देश में ट्रेड के द्वार खोल दिए। उससे पहले क्या होता था, बाहर के देशों से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आता था वो हम अपने देश में आने नहीं देते थे ताकि हमारे देश के फार्मर्स का फायदा हो, लेकिन अब हमने ट्रेड के द्वार खोल दिए हैं तो बाहर के देश अपना मजेदार बढ़िया बढ़िया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे देश में भेजते हैं, हमारे देश के फार्मर्स को कॉम्पिटिशन होता है। इम्पोर्ट ड्यूटीज यानी कि जो पहले जो हम पहले हमारे यहाँ के विक्रेता बाहर के देशों से अगर सामान मंगाते थे ना, बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था। इंपोर्ट मतलब देश के अंदर आने वाले सामान पे जो आप टैक्स लगाते हो ना, उसे इंपोर्ट बोला जाता है। अब हमने वो टैक्स जो है कम कर दिया, तो जब टैक्स कम कर दिया है तो सस्ते दाम पे बाहर का सामान ट्रेडर्स जो है मंगा लेते हैं इंडिया में, फिर उसे मजे से बेचते हैं। आप अगर कभी सब्जी लेने गए हो अपने पेरेंट्स के साथ या फ्रूट्स लेने, तो आप देखते होगे अब आपको ग्रीन एप्पल भी चमकता हुआ दिखता है, आपको कीवी भी दिखता है, आपको यू नो एवोकाडो, बहुत फैंसी फैंसी फ्रूट्स दिखते हैं, उसमें से मोस्टली फ्रूट्स इंडिया के होते भी नहीं है कि नहीं। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। अब बेचारे फार्मर्स इतने सालों से खेती कर रहे हैं, उन्हें कोई रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो देख रहे हैं कि उनके पिताजी भी गरीब थे, उनके पिताजी भी गरीब थे, उनके पिताजी भी गरीब थे, तो उनका फार्मिंग में मन लगना बंद हो गया है। बड़े बेमन से फार्मिंग हो रही है इंडिया में, और बेमन से फार्मिंग होगी तो बेमन के रिजल्ट ही निकलेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है फार्मर्स ने एग्रीकल्चर में करना कम कर दिया। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इंडिया का सामान बाहर बेचा जाए, बाहर का सामान इंडिया में बेचा जाए, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को प्रेजेंट जनरेशन से तो हो नहीं रहा है, रामायण के काल से जो है ग्लोबलाइजेशन हो रहा है दुनिया में। हमारा आर्यभट्टा ने जो जीरो की खोज की थी वो भी दुनिया को कब से पता है, क्यों? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सिमिलरली ग्रीक आर्किटेक्चर क्या होता था वो इंडिया को पता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन बहुत पुराने काल से हो रहा है, आज ज्यादा होता है टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन होता पहले से। तो 19 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी मतलब शताब्दी पीछे चलती है, तो व्हेन आई से 19 सेंचुरी आई मीन 1800 से 1900। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे तब क्या होता था कि इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बाय यूरोपियंस, एंड साउथ इंडिया वर एनकरेज्ड टू ग्रो क्रॉप्स। टिल टुडे इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम्स ऑफ द
आइटम्स ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो 19वीं सेंचुरी तक हमारे देश की स्पाइसेस, जो आज भी पूरी दुनिया खाती है, स्पाइसेस का मतलब मसाले, पूरी दुनिया में फेमस हुआ करते थे। हम यूरोप में भी भेजा करते थे, हम अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह भेजा करते थे। तो हमारे जो कोलोनाइजर्स थे, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो हमारी स्पाइसेस ग्रो भी बहुत कराती थी, क्योंकि उसे भी फायदा होता था। भाई हमारे यहाँ खेती से टैक्स लेती थी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो बड़े मजे से हम इंडियन स्पाइसेस ग्रो करते थे और हम मेजर एक्सपोर्टर्स में काउंट होते थे, आज भी हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बाद में जो है अपने पैंतरे चेंज करने शुरू कर दिए। ब्रिटिशर्स ने बाद में कॉटन ग्रो करना शुरू करवा दिया, क्योंकि ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, सबसे पहले कॉटन मिल्स लगनी शुरू हुई थी, हाथ से कॉटन का कपड़ा बनने की जगह मशीन से बनना स्टार्ट हुआ था। तो ब्रिटेन को चाहिए होता था कॉटन, तब ब्रिटेन इंडिया से क्या करता था, कॉटन एज अ रॉ मटेरियल लेता था, स्पाइसेस वाइसेस का प्रोडक्शन उसने कम करा दिया था। इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फ्लरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसे जो इलाके हैं यूरोप के, स्पेसिफिकली ब्रिटेन के, उन इलाकों में जो डेवलपमेंट आई है ना 17वीं 18वीं शताब्दी से, वो आई इसलिए क्योंकि इंडिया में कॉटन अच्छा मिलता था। वो सारा का सारा कॉटन ब्रिटेन अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगाता था और वहां से फिनिश प्रोडक्ट्स, यानी कि कॉटन का कपड़ा बना के सस्ते दाम पे इंडिया की मार्केट में बेचता था और इंडिया के बेचारे इंडस्ट्री वालों को नुकसान होता था। तो इस तरीके की दो धारी तलवार चलती थी, हमारा कॉटन अपने यहाँ ले जाओ और अपना कपड़ा हमारे यहाँ बेच दो, ठीक है, आफ्टर 1990। लेकिन 1990 के बाद, मतलब कहने का मतलब है कि खेती हमारी पहले दुनिया में बहुत चलती थी और हमारे इंडिया में भी चलती थी। 1990 के बाद इंडियन फार्मर्स को जो मेजर चैलेंज फेस करना पड़ा वो यही था कि इंपोर्ट ड्यूटीज क्या हो गई, कम हो गई। इंपोर्ट ड्यूटीज डिक्रीज, यानी कि अगर ये इंडिया है तो इंडिया में हर जगह से अब क्रॉप्स आना शुरू हो गए और हमारे फार्मर्स बेचारे अकेले पढ़ने शुरू हो गए। वो कम्पीट ही नहीं कर पाए बाहर की हाईली सब्सिडाइज, मतलब जो बढ़िया जो डेवलप कंट्रीज होती हैं, वो सब्सिडाइज का मतलब डिस्काउंटेड दामों पे जो अपने फार्मर्स को चीजें अवेलेबल कराती हैं और इसी वजह से वहां पे क्रॉपिंग अच्छी हो पाती है, उन क्रॉप से हमारे फार्मर्स नहीं कर पाए कम्पीट। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर थ्रस्ट should be given to improvement of the condition of marginal and small farmers. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सही में चाहते हैं कि इंडिया का फार्मिंग सिस्टम, इंडिया का एग्रीकल्चर बूस्ट हो, तो हमें सिर्फ अमीर फार्मर्स पे ध्यान नहीं देना है, देश की टेक्नोलॉजी, देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि देखो भाई ये देखो नंबर, हम कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें छोटे फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि जिनके पास बहुत थोड़ा लैंड है या बहुत और या लैंड ही नहीं है, उन फार्मर्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो फार्मर इंडिया में क्या है, ज्यादा है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन भी हमने किया था 1950s में 1960s में, लेकिन उसका फायदा क्या था, बहुत ज्यादा नहीं आया था, क्योंकि कुछ स्टेट्स में ज्यादा फायदा आया था, कुछ स्टेट्स में बिल्कुल फायदा नहीं आया था, और क्योंकि इतना ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिया था फार्मर्स ने कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई थी, केमिकल्स की वजह से मिट्टी जो है उपजाऊ होनी बंद हो गई थी, है ना, लैंड डिग्रेडेशन हो गया था। लैंड के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी होती है, भाई मिट्टी में केमिकल डालोगे तो मिट्टी में रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो मर जाएंगे ना, तो ये सब तरीके से लैंड की फर्टिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हुई थी। तो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन से भी क्लीनर तरीके जो हैं फार्मिंग के डेवलपमेंट के, उन्हें अपनाना चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन आता है, सजेस्ट सम Some practices to improve Indian agriculture, 3 marks. तो क्या लिखेंगे, genetic engineering, organic farming and cropping pattern को change करना। genetic engineering, genetic engineering का मतलब genetic level पे, genes के level पे अगर आप soil में, sorry, crops में थोड़े बहुत changes करके उन crops को better बना पाओ, जैसे BT cotton, golden rice, non-crying onions, ये वो crops होती हैं जिसमें genetic level पे change करके scientists क्या करते हैं, एक hybrid variety बना लेते हैं। ये hybrid variety के बीज जो है farmers को जब available हो जाते हैं तो crops में आप कुछ भी कर सकते हो। मान लो आपने एक particular crop ली और उस crop में genetic engineering करके आपने एक ऐसी hybrid variety बना दी कि अब उस क्रॉप में कीड़े नहीं लगेंगे, तो जब वो वाले बीज से फार्मिंग की जाएगी तो कीड़े लगने के खतरे नहीं होंगे। या जेनेटिक इंजीनियरिंग करके आपने ऐसे बीज बना दिए जो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा देंगे, मतलब वो ऐसे पेड़ उगाएंगे जिसमें ज्यादा फल और फूल लगेंगे, तो फिर इससे भी आपकी फार्मिंग बूस्ट होगी।
ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी ट्रेंड बन गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, मन्योर का इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री से जो कचरा आता है उसको ऑर्गेनिक कचरे की तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है। कचरा भी नहीं, वो तो फार्मिंग के लिए तो बहुत मैन्योर के काम करता है, तो वो कचरा तो एनिमल हस्बेंड्री का है लेकिन फार्मिंग के लिए तो वो एक तरीके से गोल्ड है। और नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे लेग्यूम्स के साथ क्रॉप रोटेशन करा करा के इस तरीके के ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न, मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न हो गया या क्रॉप रोटेशन हो गया, इस तरीके की चीज़ों से लिख देती हूँ, क्रॉप रोटेशन या मल्टीपल क्रॉपिंग, इस तरीके की चीजों से आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे चेंजेस से आप क्या कर सकते हो, अपनी फार्मिंग को बूस्ट कर सकते हो। तो इंडिया में ये चीजें हो सकती हैं। इसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट है ये, फोर्थ पॉइंट यहीं पे लिख देती हूँ बच्चा ताकि आप भूलो ना, ग्रोइंग हाई वैल्यू क्रॉप्स। आगे पढ़ेंगे हम, बट ये चार चीजें एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करो ना, वो क्रॉप्स करो जिसमें ज्यादा पैसा मिले, है ना। सम इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट दैट इफ इंडियन फार्मर्स कंटिन्यू टू ग्रो क्रॉप्स इन स्मॉल प्लॉट्स व्हाइल द प्रोडक्शन इज ग्रोइंग रैपिडली, द फ्यूचर विल बी ब्लीक। इंडियाज रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 833 मिलियन, मिलियन दारो 10^6, 833 मिलियन पॉपुलेशन है हमारे गांव में, और ये 2011 की बात हो रही है, अभी तो 2022 चल रहा है, बढ़ भी गई होगी, है ना। और इसमें लैंड हमारे पास 250 मिलियन हेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो ऑन एन एवरेज लेस देन हाफ अ हेक्टर, ऑन एन एवरेज एक गांववासी के पास आधे हेक्टर से कम का लैंड आ रहा है। आधे हेक्टर से कम के लैंड में आप क्या खेती करोगे ना। तो हमारे पास प्रॉब्लम है वो राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से लैंड होल्डिंग बहुत छोटी होती जा रही है, इसीलिए हमें सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करनी चाहिए ताकि सब लोग बेफालतू में भेड़ चाल की तरह खेती ना करें। जिसके पास बड़े खेत हैं वो खेती करे, जिसके पास छोटे खेत हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में इंप्लॉय होके फैमिली अपनी चलाएं, है ना। इसके साथ साथ फार्मर्स क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव ला सकते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैवेंडर, लैवेंडर के फूलों की खेती कर सकते हैं, मशरूम की खेती कर सकते हैं, मशरूम बहुत महंगे मिलते हैं, सैफ्रॉन यानी कि सैफ्रॉन को हिंदी में बोलते हैं केसर, केसर की खेती कर सकते हैं, वसाबी जो जापानीज कल्चर में खाया जाता है वो बड़ा महंगा आता है, वसाबी की खेती कर सकते हैं, जोजोबा, जोजोबा की खेती कर सकते हैं, जत्रोफा की खेती कर सकते हैं, ये सारी वो क्रॉप्स हैं जो हमारे इंडिया में अच्छे से ग्रो भी हो सकती हैं और ये बहुत महंगी बिकती हैं। एवोकाडो की खेती कर सकते हैं, पाइनएप्पल की ज्यादा खेती कर सकते हैं, महंगी क्रॉप्स हैं ये। इससे हमें फायदा ये होगा कि थोड़ी सी क्रॉपिंग करने पे हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं होगा। ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर लगा के तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या नुकसान हुआ हम देख ही रहे हैं, सॉइल डिग्रेड हो गई, लैंड डिग्रेड हो गया। तो कुछ क्लीनर मेथड अगर इस्तेमाल करें जो सस्टेनेबल हो, जो आज की जनरेशन का भी ख्याल रखें, फ्यूचर की जनरेशन का भी ख्याल रखें, क्लाइमेट चेंजेस को भी मद्देनजर रखते हुए हम अगर उन्हें डिवाइस करें कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। तो हाई वैल्यू क्रॉप्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न। इफ इंडिया चेंजेस इट्स क्रॉपिंग पैटर्न दैट इज फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप, देन इट हैज टू इंपोर्ट फूड क्रॉप्स। ड्यूरिंग 1960s, इट वॉज सीन एज अ डिजास्टर। ऑन द अदर हैंड, इफ इंडिया इम्पोर्ट सीरियल्स वाइल एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू कमोडिटीज, इट विल बी फॉलोइंग सक्सेसफुल इकोनॉमीज लाइक इटली, चाइल एंड इसराइल। अब बोलोगे मैम अगर हम जोजोबा वगैरह ग्रो करना शुरू कर देंगे तो हमारे दिल में आटा दाल चावल कौन ग्रो करेगा। अंडरस्टैंड, ग्रेट पॉइंट, बट द पॉइंट इज कि जो ये सस्ती क्रॉप्स हैं वो तो हम देश में मंगा सकते हैं बाहर के देशों से ना। बाहर के देशों को अगर हम हाई वैल्यू क्रॉप्स बेचें, ऐसी क्रॉप जो हम जिससे हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, और ऐसी क्रॉप जिसमें कम पैसे लगते हैं वो अगर हम देश में मंगा लें, तो इम्पोर्ट कर लें सस्ती क्रॉप्स और एक्सपोर्ट कर दें महंगी क्रॉप्स, तो देश का फायदा है। एक्सपोर्ट करने से ही तो पैसा आता है, जब किसी को बेचोगे सामान तभी तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हाई वैल्यू क्रॉप शुड बी एक्सपोर्टेड एंड लो वैल्यू क्रॉप शुड बी इम्पोर्टेड। एंड ऐसा ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली बार करेगा, इटली, चाइल, इसराइल जैसी जगहों में ये हो चुका है और काफी सक्सेसफुली हो चुका है। तो हमें ऑलिव, जोजोबा पे फोकस करना चाहिए और स्पेशली सीड एंड वाइन, क्योंकि ये वाइन बनाने में, सीड बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में, मेडिसिन बनाने में काम आता है। ये महंगी चीजें हैं, खाने वाली चीजें सस्ती आती हैं, बाकी प्रोडक्ट्स वाली चीजें महंगी आती हैं। चलो अब मैप कर लेते हैं, आपके सिलेबस में है ये मैप बच्चा,
वन सेकेंड, इज माई पेन वर्किंग? शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट। ठीक है, तो जरूर से चेक कर लेना अपने स्कूल से, बिकॉज स्कूल में एनसीईआरटी वाला फॉलो होता है। आई एम टेलिंग यू अबाउट द लेटेस्ट, बट जूट इज डेफिनेटली वेस्ट बंगाल लीडिंग प्रोड्यूसर। ये रहा आपका वेस्ट बंगाल जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर। टी का इज योर असम, टी का लीडिंग प्रोड्यूसर इज दिस। कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर इज कर्नाटका, एटलीस्ट इज यू टू बी, यूज टू बी। ये रहा कॉफी। रबड़ इज केरला, दिस इज योर रबड़ केरला। कॉटन इज महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र या गुजरात में से एक होगा क्योंकि दोनों जगह काली मिट्टी है, बट आई एम होपिंग कि महाराष्ट्र है, तो वो चेक कर लेना एक बार। एंड शुगर केन इज यूपी। बाकी मेजर एरियाज ऑफ राइस और वीट, जब मैं राइस और वीट पढ़ा रही थी तो आपको करा चुकी हूं। अब इसके साथ मैं आपको ये चार्ट दिखा दूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप ये नीचे पीडीएफ में से देख सकते हो। ये पूरा चार्ट के थ्रू मैंने आपको सारी क्रॉप्स का सारी चीजें यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी हैं। टी, कॉफी, हॉर्टिकल्चर, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं और फिर ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा वाइंड अप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन अ लार्ज एरिया? द राइट आंसर इज प्लांटेशन, कमर्शियल क्रॉपिंग का एक सब टाइप। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? रबी क्रॉप होती है विंटर क्रॉप, जिन्हें बारिश थोड़ी कम चाहिए। राइस, ग्राम, मिलेट या कॉटन? राइट आंसर इज ग्राम, दाले। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेगुमिनियस क्रॉप? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं मिट्टी में, हमारी दाले करती हैं, तो राइट आंसर इज पल्सेस। नेक्स्ट, नेम वन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप, कोई भी एक बेवरेज क्रॉप लिख सकते थे। मैंने यहाँ पे चाय लिखी, आप कॉफी भी लिख सकते थे, उससे रिलेटेड आपको जोग्राफिकल कंडीशन देनी थी। नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया, स्टेपल क्रॉप है सबसे बड़ी इंडिया की राइस, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खाई जाती है। कौन से रीजन में ग्रो होती है? आप जानते हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ज्यादा ग्रो होती है, असम और वेस्ट बंगाल में भी ग्रो होती है, राइट। नेक्स्ट, एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स हैं तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना रूरल मार्केट में, किसान क्रेडिट कार्ड, PAIS, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चर प्रोग्राम, यूनिवर्सिटीज, इसके साथ साथ वेटिनरी एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट, द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज गॉट रिड्यूस डे बाय डे, कैन यू इमेजिन इज कॉन्सिक्वेंसेज? यानी कि रिजल्ट, लैंड जो है दिन बाय दिन पर व्यक्ति इंडिया में लैंड जो है कम होता जा रहा है। अभी हमने देखा रूरल इंडिया में ऑन एन एवरेज हर इंसान के पास आधा हेक्टर लैंड है, तो दिस इज गेटिंग वेरी वेरी रिड्यूस। इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि इंडस्ट्री पे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, लोग जो है माइग्रेट करना शुरू कर देंगे क्योंकि खेती के लिए उनके पास लैंड ही नहीं होगा, तो रूरल से अर्बन माइग्रेशन शुरू हो जाएगा, शहरों में जगह नहीं होगी लोगों के लिए रहने के लिए, देश में फूड सिक्योरिटी नहीं होगी क्योंकि खेत नहीं होंगे तो खेती कैसी होगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है उन्हें रॉ मटेरियल बाहर के देशों से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो एक और पॉइंट है, इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज, ठीक है। सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। बहुत कुछ किया हमने, जमींदारी सिस्टम को हटाया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कंसोलिडेशन किया यानी कि लैंड को इकट्ठा करके बड़े लैंड बना के खेती करने की कोशिश की। कंसोलिडेशन और कलेक्टिवाइजेशन एक ही बात है। हमने इंश्योरेंस करवाया, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया, रूरल बैंक खोले, कोऑपरेटिव बैंक खोले, ताकि
फार्मर्स को थोड़े से ही दामों में, थोड़े से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अच्छे लोन्स मिल सकें. सो वी हैव डन अ लॉट. सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो. ग्लोबलाइजेशन का इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा, आपको 1990 से लिखना है कि 1990 के बाद से हमें बाकी के फॉरेन प्रोडक्ट से काफी कंपटीशन झेलना पड़ा और एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे हाईली सब्सिडाइज होता है, डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो वहाँ पे सस्ता होता है फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर करना. हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, हमें बहुत उनसे कॉम्पिटिशन झेलना पड़ता है और हमारे एग्रीकल्चर में सब्सिडी जो है फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड पर कम भी कर दी गई है तो फार्मर्स का नुकसान हो रहा है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ राइस. ऐसे किसी भी क्रॉप पे आ सकता है. तो ज्योग्राफिकल कंडीशन, सॉइल को मिट्टी अच्छी चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, एनुअल रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर जितनी या इससे थोड़ी सी ज़्यादा, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में अच्छी ग्रो होती है. थैंक यू सो मच, दिस वॉज अ वेरी लॉन्ग सेशन, आई होप यू एंजॉयड एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर चैप्टर. डोंट फॉरगेट, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत जल्दी आ रहा है. बाय.